ॐ नमो भगवते प्रेमी वैष्णव एवं भक्तिमती प्रेमवती वैष्णवी माताएं, आप सभी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि भगवान की मधुर मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए आप सब पधारे हैं। कई बार समाज में सामान्य लोग पूछते रहते हैं,
कि भाई क्या जरूरत है ऐसे कथा की, कुछ पुण्य कर्म करो। एक आदमी बोलता रहता है और बाकी सब सुनते रहते हैं घंटों भर, क्या मिलेगा? अरे भाई मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ पुण्य करो, ऐसे धार्मिक लोग बोलते रहते हैं, आपके समाज में भी बोलते होंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि इतिहास साक्षी है कि जीवन भर पांडव वंशज परीक्षित राजा, जिनकी गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, ऐसा राजा परीक्षित जीवन भर दान पुण्य धर्म कर्म किया और उस दान पुण्य धर्म कर्म का फल, उस पुण्य का फल अंत में उसे मिला श्रीमद् भागवत की कथा। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत कथा कोई सामान्य धर्म पुण्य कर्म नहीं है, ये सारे धर्म पुण्य कर्मों का फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, इसीलिए इससे बढ़कर और कोई पुण्य कर्म नहीं है। और ये बात दास की कहने की नहीं है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनत कुमार भागवत महात्मय पद्म पुराण में नारद जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से श्रेष्ठ बेस्ट और कोई पुण्य नहीं है, और अगर होता तो राजा परीक्षित करते, क्योंकि वे समर्थ थे, समय स्थान और व्यक्ति उनके पास श्रेष्ठ थे, फिर भी सब कर्मों को तिलांजलि देकर परीक्षित भागवत कथा सुन के भगवान के श्री धाम, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो गए। इसीलिए संसार में गाड़ी बंगला नौकर चाकर शरीर की सुविधा मान सम्मान ये सब हमारे पुण्य कर्मों से हमें मिलता रहता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा ये पुण्य कर्म का फल नहीं है। भागवत की कथा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके वैष्णव प्रतिनिधि सद्गुरु की कृपा का फल है। हमारे पुण्य कर्म में वो दम नहीं कि हमें भागवत भगवान से मुलाकात करे, ये तो केवल अहेतु का अनुग्रह है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे संतों का, कि हम जैसे तुच्छ संसारी जीवों को भी, देवताओं को भी दुर्लभ, भगवान सुखदेव और महादेव जैसे महाजनों का जो पावन धन है, परमहंसों की जो परमहंस संहिता है, ऐसा प्रेम ग्रंथ श्रीमद् भागवत श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। और दूसरा प्रभुपाद की कृपा यह है कि हमें परंपरा से प्राप्त हो रहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, 4:2 भगवत गीता परंपरा से मिल रहा है। और विशेष बात यह है कि प्रभुपाद जी जैसे संतों का भागवत के ऊपर भावार्थ भावपूर्वक अर्थ भी मिल रहा है, और प्रभुपाद जी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य श्रीपाद विश्वनाथ चक्री ठाकुर, श्रीधर स्वामी, श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बड़े बड़े साधु संत श्रीपाद वल्लभाचार्य आदि वैष्णवों का जो भागवत के ऊपर अर्थ अनुवाद भाव था, उनका सार सार लेके अपने ग्रंथ भागवत टीका में रख दिया। तो हम इस्कान के जुड़े हुए भक्तों को तो विशेष भागवत श्रवण का लाभ मिलता है कि एक तो मूल शुकमुख का अमृत व्यास का लिखा भागवत का श्लोक मिलता है, और उस श्लोक के ऊपर अन्य वैष्णव भक्तों के भाव अर्थ टीकाएं मिलती जो अन्य जगह दुर्लभ है। कभी कभी हम भी भागवत पढ़ते थे तो भक्तों ऐसा सुनते थे कि भाई गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित बैठे हैं और इसके आजू बाजू में अत्रि गौतम व्यास वशिष्ठ मैत्रेय और यहां तक कि परशुराम और पराशर मुनि जैसे साधु संत मंडल बैठा है, और उसी के मध्य में बीच में व्यास नंदन विरक्त चक्र चूड़ामणि
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बैठे। भागवत जी में वर्णन है कि ये दृश्य ऐसा था, उन परीक्षित की सभा के बीच में, राजा की सभा के बीच में सुखदेव जी ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश में तारा मंडल के बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा। व्यरोचतालम भगवान यथेन्दो ग्रह क्षतारानिकरे परीत। परीत मतलब अराउंड, परिक्रमा कहते ना, परी चारों बाजू। ग्रह क्षतारा निकरे परीत भगवान यथे इंदु, इंदु चंद्रमा को कहते। ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि मध्य, उस सभा के बीच में सुखदेव जी चमक रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो ऐसा जब हम सुनते हैं तो दास को ऐसी लालसा होती थी कि काश हमारा भी ऐसा सौभाग्य होता कि हम भी परीक्षित की सभा में बैठे होते और सुखदेव जी से डायरेक्ट सुख मुखात अमृत भागवत सुनते तो कितना अच्छा होता। ऐसा ऐसा मन में इच्छा लालसा होता है, पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं, हम लोग को ऐसा होता था। तो एक बार हमने हमारे गुरु बंधु, अभी तो यहाँ नहीं है, भगवत धाम चले गए, हमारे अभी तो गुरु महाराज की परम कृपा उसके ऊपर थी, आप लोगों ने शायद कुछ भक्तों ने उसका दर्शन या प्रवचन या संग सुना होगा, इस होलीनेस गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो वे हमारे बहुत पुराने मित्र और एकदम बंधु जैसे थे। तो मैं उसको कहता रहता था, प्रभु जी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि मैं भी परीक्षित के आजू बाजू में कहीं बैठा होता। तो मुझे कहते कि कुंडल कृष्ण तुम वहां बैठे होते तो क्या करते। मैं बोला क्या करता, क्या भागवत का रस लेता। बोले तुम सोते, यहां भी सोते हो वहां भी सोते, क्योंकि कलयुग के जीव को सोना बड़ा पसंद है, फिर वो हाथ में पहनने का हो या घर पे, सोना सोना पसंद है ना हम लोग को, गोल्ड हो चाहे निद्रा, कलयुग के श्रोताओं को सोना बड़ा पसंद है। तो फिर वो अमृत तो तुम लेके, मैं बोला ऐसे कैसे बोलते हो प्रभु जी, हम तो सुनते सोते नहीं, हम लोग कलम बली के आधार कार्ड वाले, हम तो सुनने के लिए कथा रखे, सोने के लिए थोड़ी रखे। तो बोले नहीं नहीं मैं इस तरह नहीं कह रहा हूं, इसने बड़ा सुंदर बताया, देखो मैं आपको बता रहा हूं, महाराज ने बताया कि तुम इसीलिए सोचे क्योंकि वहां पर कथा संस्कृत में हो रही थी। मैं बोला हाँ यार, वो तो सोचा ही नहीं, सुखदेव जी थोड़ा हिंदी में बोल रहे थे कि अंग्रेजी में बोल रहे थे कि बिहारी में भोजपुरी में बोल, वो तो संस्कृत में बोल रहे थे और संस्कृत हमारे पल्ले तो पड़ता नहीं, सीधा बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाता, पिच पे टप्पा ही नहीं होता। तो सोते कि नहीं बताओ, समझ में नहीं आता तो निद्रा आती है। मैंने कहा हाँ महाराज ये तो ठीक है कि संस्कृत पूरा तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार इच्छा तो थी कि वहां पर बैठ के सुने। तो उसने कहा अगर वहां पर बैठ के सुनते ना तो और एक एक वस्तु तुमको नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है, प्रभुपाद की कृपा से इस्कान के भक्तों के मुख से जो अभी भागवत मिल रहा है वो वहां पर भी एक वस्तु की कमी थी। तो हमने कहा क्या महाराज, तो उसने कहा कि वहां पर सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा तो मिलती लेकिन उन भागवत के शब्दों के जो रस भाव पूर्व अर्थ है जो श्रीधर स्वामी ने बताए, विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने बताए, वो तो तुमको वहां, ये तो केवल प्रभुपाद की और वैष्णव की कृपा है कि यहां मिल रहा है। वहां केवल सुखदेव मुख मिलता वचन, लेकिन उस सुखदेव के मुख के वचन के ऊपर अन्य वैष्णव आचार्यों ने, रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी थे, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो राधा कृष्ण के निकुंज की लीला की सखिया है और उन सखियों ने भागवत का जो रस लिया है और उस भागवत प्रेम पुष्प का मधु हनी निकाल के अपने शब्दों में हमें दिया है, वो तो वहां पे नहीं मिलता। तब हमने कहा तब तो यही ठीक है। फिर उसने कहा और एक बात वहां पर नहीं मिलती। हमने कहा क्या? बोले वहां कथा के बाद प्रसाद नहीं होता था। मैंने बोला अच्छा वो भी तो बड़ा, वो हम तो उसी के लिए आते। बोले कथा के बाद वहां थोड़ी भोजन हो, तो वहां तो रात दिन कथा, क्योंकि राजा परीक्षित 7 दिन के लिए सुनने बैठे तो अनशन व्रत करके बैठे थे, मतलब जब तक तक्षक सर्प आएगा नहीं तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीएंगे, पिएंगे खाने की तो बात ही छोड़ दो, तो हम लोग को तो भूखे ही समाधि में लग जाए, वहां मर जाते। तो तीसरा नुकसान तो ये होता कि वहां प्रसाद नहीं था, यहां तो है ना प्रभु जी,
यहां तो देखो एक फायदा, प्रसाद का कंफर्म है, कथा में आप सुनो चाहे सो, प्रसाद तो सबके लिए है। कथा के पहले कोई आ जाए, मध्य में आ जाए या कथा के अंत में आ जाए, प्रसाद तो, और वहां तो जो पहले बैठा उनके लिए भी नहीं कम। तब हमने कहा भैया हम तो यही ठीक है कि एक तो अपनी भाषा में मिले, ऊपर से भाव अर्थ के साथ मिले, दूसरा बाद में प्रसाद भी मिले, और थोड़ा ही यार डेढ़ घंटे की कैपेसिटी है हमारी। वहां तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था गंगा तट पे, और हम लोग ने कुछ नहीं छोड़ा, ये वैष्णव की कृपा से भागवत और भागवत कहने वाले भक्त हमारे ही आंगन में, हमारे ही गांव में आ गए। वहां तो धंधा परिवार सब छोड़ के जाना पड़ता ना, और कितना 2-5-10 हजार पैसा भी लग जाता, यहां तो ये भी नहीं है। इसलिए वास्तव में भक्तों, हम सभी वैष्णव श्रोताओं को इस्कॉन खारगर से जुड़े हुए राधा मदन मोहन प्रभुपाद जी के आश्रित भक्त जो आपके कलम बली में निवास करते हैं, आपको प्रति वर्ष कई वर्षों से ये मौका दे रहे, अवसर दे रहे भागवत कथा का, भक्तों के दर्शन का, भगवान के महाप्रसाद का, और विशेषकर भगवान की ये उत्सव शोभा यात्रा निकालने का। और ऐसा जो अवसर देते हैं ऐसे भक्तों के हम वास्तव में ऋणी हैं, कृतज्ञ है कि जिन्होंने हमें भगवान से भेंट कराया, भगवान की सेवा का अवसर दिया। और आप में से कुछ सौभाग्यशाली श्रोता होंगे जो इस भागवत कथा या इस हरे कृष्ण उत्सव यज्ञ में अपना तन मन धन से सेवा आहुति भी देते हैं, जिनका फल अनंत गुना होके अक्षय रूप में आपके और आपके परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेम यज्ञ है ये, जिसमें हम सभी भगवान से भूले हुए भटकते संसार में बद्ध जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम जाने का इस सुंदर अवसर दिया जा रहा है। तो आज कथा की श्री गणेश शुरुआत में मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारे इस्कॉन खारगर अध्यक्ष इस गणेश सूरदास प्रभु जी को, जिन्होंने हम सब पर अनुग्रह करके इस तरह प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाया। हम लोग तो बहुत छोटे थे, मीरा रोड में सबसे उनका सहयोग मिलता था। और विशेष धन्यवाद राम विश्व प्रभु जो यहाँ यादव जी, हमको यादव कहना अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण की जाति हो जाती है, सखेति मत्वा, अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपको यादव बोल दिया, प्लीज हमको क्षमा करना, तो आप भी हमें क्षमा करना, यादव तो बोलते ही रहेंगे। और इनसे इनकी इनको साथ देने वाले आप सभी वैष्णव को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें भी वाणी सेवा का और इतने सारे वैष्णव के दर्शन का अवसर दिया। और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सबको खूब शक्ति भक्ति दे, और इस तरह हम चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में प्रभुपाद जी की परम प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जैसे हमारे वेद उपनिषद कहते हैं, उसके लिए इस तरह का भगवत कार्य जब तक भगवान सांस चलाए कराते रहे। देखो हम सब निमित्त है, करते वही है, कराने वाले भी वही है। हम तो अपनी आंख सुबह खोल नहीं पाते, अलार्म भी बंद हो जाता है, वही है कि खुलवाते हैं, वही है कि चलाते हैं, प्रसाद तो हम खा लेते, वही है कि पचाते, कभी कभी नहीं भी पचाते हैं तो ऑफिस बंद रहता है, बाथरूम की लाइन से फुर्सत नहीं होती हमको, लेकिन पचाते तो वही, सब कुछ वही करते हैं। तो ये कृष्ण की कृपा है कि हमें अपनी सेवा में लगाए, और हम सबको याद रखना चाहिए, अइ नंदत नुंज किंकरम पतितं मां विषमे भवान बुधो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हम सब नंदत नुंज, नंद नंदन कृष्ण के दास है, किंकर मतलब दास, किम करोति, जो हमेशा ये पूछता रहे स्वामी चरणों में सेवक कि मैं आपके लिए क्या करूं, और उसके लिए तैयार रहे अहर्निश, उसको किंकर कहते, हनुमान जी का नाम है राम किंकर, राम के दास। तो
महाप्रभु कहते कि हम किंकर है चैतन्य देव कहते कि कृष्ण के, तो मैं आप सभी श्रोता जनों से एक बहुत सुंदर भाव और एक संदेश भी है जीवन में अपनाना है कि हम सब यहाँ भागवत श्रवण कीर्तन करने बैठे हैं तो हम सबको ये मूल पता होना चाहिए कि हम भागवत के किंकर है। क्या है हम, क्या है भागवत के? यहाँ कोई हमको कई बार लोग कहते हैं आप भागवत के कथाकार, हमने कहा ये कथाकार तो हम है नहीं, और कलयुग में कथाकार को कार चाहिए है ना, बिना कार के आते हैं, और कथा में कोई आकार नहीं होता लेकिन कथाकार कार से उतरता है ऐसा देखा गया है। हम कथाकार नहीं है ना वक्ता है, हम भागवत के कथा के किंकर है। क्या है? दास है। और अपनी शुद्धि के लिए और गुरु वैष्णव की प्रसन्नता उनकी आज्ञा के लिए, वैष्णव को भगवान का स्मरण हो और उनकी भक्ति बढ़े उस भाव से भागवत कथा का श्रवण कीर्तन होना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान ने सिखाया सुनाया समझाया और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी परंपरा में विशुद्ध भाव से भागवत सेवा की जाए ताकि हम हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य को प्रसन्न कर सके और उसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो हम सब भागवत के क्या है? किंकर है, ये याद रखना है। भगवान के किंकर है, भगवान के स्वरूप ये ग्रंथ भागवत के हम किंकर है, और ऐसे ग्रंथ भागवत कहने सुनने वाले जो वैष्णव है भक्त है उसके हम किंकर है। तो हमने बंगला में एक अपने से ही प्यार बनाया है, भक्त भागवत भगवान तीनेरो किंकर, अमी भक्त भगवान और भागवत तीनेरो किंकर, और भक्त मुखे भागवत सुनह निरंतर। हमारा काम क्या है? भक्तों के मुख से भागवत निरंतर सुनने रहना है, बस इतना जीवन में आ जाए बहुत हो गया, सारा ज्ञान इसी में पड़ा रह जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा। तो हम तीन के किंकर है, इसको भूलना नहीं है, और अगर इनको भूल गए तो माया आपको, माया अपना किंकर बना देगी। कृष्ण भूली से ही जीव भोगवांछा करे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे भगवान को भूला तो माया उसको भवसागर में पटकेगी, सीधा अर्थ निकल जाएगा। इसलिए हमें भूलना नहीं है कि हम भगवान के भागवत के और भक्त के किंकर है और उन्हीं की सेवा में, और इनके नहीं करेंगे तो माया की करनी पड़ेगी। माया की सेवा में कर्म बंधन है और यहाँ कर्मों से मुक्ति है, वहां दुख दरिद्रता दुर्गति है, यहाँ भक्ति रसा अमृत सिंधु सुख सानंद समृद्धि संपत्ति सदगति है। तो एक तरफ विषय भोग वासना की गटर है और एक तरफ भक्ति प्रेम रस का समुद्र है। अब चॉइस आपकी है कि किसमें जाना है, स्वतंत्र हो, जो करोगे वो पाओगे, है ना, स्वतंत्र है लेकिन फंसेंगे क्या। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र, हमें भक्तों के संग में रहना है और भक्तों के संग में भागवत सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम सुनते रहना, और इसी तरह श्रवण कीर्तन करते करते संसार कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भक्तों एक बात का आश्चर्य होता है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भक्तों ने भगवान से भगवान नहीं मांगा, भगवान का धाम नहीं मांगा, भगवान के भक्तों को संग में भगवान की कथा मांगी है। ध्रुव महाराज के सामने मधुबन में भगवान को गरुड़ पर विराजमान होकर आ गए, शंख लगा छुआ के गाल पे ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान करा दिया और सारा आशीर्वाद लेके आए थे, बोले क्या चाहिए जो चाहिए वो मांग लो। लेकिन ध्रुव जी ने कहा जब हीरा मिल गया तो कांच के टुकड़े को कौन देखे, बोले तुम तो उसी के लिए तप किया था, बोले वो सब बात रात गई अब हमारी बुद्धि सुधर गई। बोले नहीं नहीं तुम मांग लो कुछ, नहीं मांगोगे तो ये कलम वाले वाली बोलेंगे लोग, ये सब खारघर वाले नवी मुंबई पनवेल वाली पूरी लाइन बोलेगी हम पर कि भगवान विष्णु देखो इतना तप करा के बेचारे को कष्ट दिया और बाद में कुछ नहीं दिया, बुद्धि ब्रेन वॉश कर दिया, भिखारी भिखारी रहा। इसलिए हमारी इज्जत रख लो बेटा, कुछ तो मांग लो,
भगवान कह रहे कुछ तो मांग लो। ध्रुव कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के पास लिस्ट पड़ा है, अगर मदन मोहन आप ज्ञान दो तो बहुत कुछ चाहिए। हम लोग तो रोज भिखमंगी चालू है हमारी, तो मंदिर में तो हम इसलिए जाते हैं। भारतवर्ष में 20 लाख से अधिक मंदिर है, और उसमें 20 लाख में एक मंदिर में 50 करोड़ लोग गिन लो ना, तो करोड़ों लोग रोज मंदिर जाते हैं। लेकिन मिलने कितने जाते हैं, मांगने तो सब जाते हैं। कोई होती है मीरा जैसी जो कहती है मिलन के काज सखी गिरधर में आई हो, ये सखी में माधव से मिलने आई हूं। हम लोग मिलने थोड़ी जाते हैं, हम लोग तो मांगने जाते हैं। और भगवान को वार्निंग, देखो प्रभु ध्यान रखना, अभी नया नया धंधा चालू किया आप है बस, अभी भी नया नया शादी, भगवान के सब मेरे लिए कर रहा है तू। और इतना भगवान ने दिया हमारी औकात से हैसियत से ज्यादा दिया है, लेकिन हमको संतोष तो है ही नहीं। थैंक यू तो कभी कभी कहा ही नहीं हमने, तो भगवान को कंप्लेन पर कंप्लेन, प्रभु इतना और इतना और। अच्छा है भगवान अच्छे, हमारी तरह होते एक दो चाटा लगा के बोले निकल खा लेगा इतना देने के बाद भी, लेकिन भगवान अच्छे कुछ नहीं कहते, सुनते रहते बस, और फिर भी देते रहते। तू गिला न कर, एक हिंदी कवि की बात याद आती है, कहते कि तू गिला न कर, यह न दिया वह न दिया मुझको, ये क्या कम है कि इंसान बना दिया तुझको, तू तो उसके लायक भी नहीं था, अब क्या मांग रहा है। फिर सर दिया है, हृदय दिया है, हाथ दिया है, थोड़ा पुरुषार्थ करके संतोष करके राम राम कर, हरी हरी कर, लेकिन नहीं हाय हाय करते ही मरेगा बस। ये हम लोगों की दुर्दशा, लेकिन मीरा सिखाती है कि मंदिर में मांगने नहीं जाना, मिलने जाना। तो भारतवर्ष में मंदिरों में भी जाने नहीं जाने वाले ज्यादा है, ये तो जो 10-15 जाने वाले उसकी संख्या गिना रहा, लेकिन उसमें भी सब मांगने वाले हैं, मिलने प्रेमी कितने हैं उस लोगों के। लेकिन ध्रुव के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, बोले मांग ले बेटा क्या चाहिए। भागवत ध्रुव स्तुति का बड़ा सुंदर श्लोक है, 4वें स्कंद के 9वें अध्याय में ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में कहा, हे नाथ कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हम पर अनुग्रह करके कुछ देना चाहते हो तो मैं आंचल पसार के मांगता हूं कि मुझे आपके प्रेमी भक्तों के संग में भागवत सुनने का अवसर दो। बताओ, भक्ति मुहु प्रवहता त्वयिने प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमलाशयाना एनाम जसो उलुबणम मुरु व्यसनम भवाब्दी निस्से भवत गुण कथा मृतपानमत्त। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहता त्वयिने प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमलाशयानाम, जिन भक्तों के हृदय अमल हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, संसार की कोई कामना वासना नहीं है, और ऐसे भक्त जब आपकी कथा और कीर्तन करते हैं, ऐसे भक्तों के बीच में हमको डाल दो, बस इतना करो। अब भगवान से भगवान मांगने चाहिए, उनका धाम मांगना चाहिए, लेकिन नहीं, बोले ना आप चाहिए ना आपका धाम, हमें भक्तों का संग चाहिए और भक्तों के संग में कथा चाहिए। तांडेर चरण से ही भक्त सुने वा जनम जनम हो, यही हो गया, ये सार वस्तु है। अच्छा आपको एक प्रश्न होगा कि अय्या भैया भगवान की कथा में ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है, जो भगवान के धाम में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो होना चाहिए सब जगह। ध्रुव का दिमाग फेल हो गया क्या, हमसे सलाह ले लेता बेटा क्या चाहिए, मांग रहा है भक्तों का संग, ऐसे ही मिल रहा है इसको मैं कौन लेता है, तू है कि मांग रहा है भगवान से भीख मांग रहा है। ये बात समझने वाले समझ सकते हैं, जैसे हीरे का मोहर मूल्य जौहरी जानता है, साग सब्जी बेचने वाले को क्या मालूम करोड़ों के हीरो की क्या महिमा है, ऐसी देखा हम लोगों की जो नहीं जानते समझ। लेकिन हनुमान जी जैसा कोई साधु जानता है। आपको पता है अयोध्या में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी ने जब सोचा कि चलो लीला समाप्त हो गई, 13,000 वर्ष पृथ्वी पर राज कर लिया रघुवंश में, अब लवकुश की बारी आएगी, हमें निकलना, हमारा अवतार कार्य संपन्न हुआ, तो एक बड़ा सा पुष्पक विमान राम जी ने सारे अयोध्या वासियों को बिठाया, और सबसे पहला फ्रंट सीट क्या कहते हैं बिजनेस क्लास हनुमान जी के लिए था, क्योंकि मेन हीरो तो वही था। हनुमान जी को बोला तुम फर्स्ट आगे, बिजनेस क्लास तुम्हारा रिजर्व, बाकी सब इकोनॉमी पीछे जाए। चलो राम जी बोले हमारे आगे भी हनुमान रहेगा, पहला नंबर इसका है क्योंकि
भगवान को इतनी सेवा की है, भगवान अपने को ऋणी मानते हैं। सुन कपि तो ही ऋण में नाही, रामायण में राम जी ने कहा है कि रघुवंश तेरा ऋणी रहेगा हनुमान, तुमने हमारी इतनी सेवा की। हनुमान जी को जैसे ही निवेदन हुआ बैठे गए, तुरंत विमान से उतर गए, बोले हमको आना ही नहीं आपके धाम में। बोले क्या बात है, बिजनेस क्लास में सीट दे रहे, पुष्प विमान है, लोग दर्शन के लिए तरसते हमारे अयोध्या में, श्री ब्रह्मा लाइन में खड़े रहते, कितना योगेंद्र मुनिंद्र तुम है कि आना नहीं? बोले नहीं महाराज नहीं आना। क्यों? बोले एक बात का उत्तर दो राम जी। क्या? बोले आपके सांकेत धाम में अयोध्या में आपकी कथा होगी? राम जी ने कहा जब हम स्वयं वहां है तो हमारी कथा क्यों होगी वहां, कथा की जरूरत क्या है, हम खुद है। हनुमान जी ने कहा तो हमको नहीं आना, क्षमा करो। बोले क्यों? बोले आप जहां है वहां आपकी कथा नहीं है, आप ही बोल रहे हो। बोले हाँ हम है तो हमारी कथा क्या करना वहां। तो प्रभु हम नहीं आएंगे, हम तो यहीं रहेंगे पृथ्वी पर। क्यों? बोले आप जहां है आपकी कथा वहां नहीं है, लेकिन आपकी कथा जहां है वहां आप है। आपकी कथा जहां है वहां आप, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। इसलिए प्रभु चरित्र सुनी, देखो जो दोहा लगा ना वहां पे, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जैसे बुद्धिमतां वरिष्ठम, जैसे संत साधु जानते हैं वास्तविक कथा की महिमा को। अरे भगवान स्वयं भी एक ही चीज के लिए तरसते हैं, वैकुंठ त्रिलोक गोलोक अधिपति भगवान दो ही वस्तु के लिए तरसते हैं, अपने भक्तों का संग और उनकी कथा के लिए, बाकी उनके पास भी और कोई कमी नहीं। इसलिए अवतार लेते रहते हैं, जगन्नाथ बन के भी यही करते हैं, अपने भक्तों के संग के लिए और अपने भक्तों से कथा के लिए तो स्वयं भगवान भी तरसते हैं, और उसी रस का आस्वादन करने के लिए राधा भाव लेकर वही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए, अपने ही कीर्तन कथा रस का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि जो सुख कृष्ण के नाम में है, जो कृष्ण की कथा में है, वो तो संसार में और कहीं नहीं है। इस बात को जानने वाले श्री हनुमान जी, इस बात को जानने वाले श्री ध्रुव महाराज, इस बात को जानने वाले सारे वैष्णव भगवान के चरणों में यही मांगते हैं कि हे नाथ, आपके प्रेमी भक्तों के संग में आपकी कथा मिले। भक्तों, गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के आने के पूर्व सारे साधु मंडल ऋषि मंडल विश्व ब्रह्मांड से आए थे सब, केवल पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग से, ब्रह्मलोक से, पाताल से, पूरे ब्रह्मांड से साधु आए थे, और एक से एक दीर्घजीवी, एक से एक बड़े बड़े गोत्र चलाने वाले, ये गौतम कणाद कश्चर इनसे गोत्र चलते प्रभु जी, और वे सब दीर्घजीवी और त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ राम जी के कुल गुरु सूर्य वंश के, ब्रह्मर्षि की उपाधि सप्तऋषियों में जिनका स्थान है, त्रिकाल ज्ञानी वे भी वहां थे। और परीक्षित सबके चरणों में हाथ जोड़ के कहता है, भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में परीक्षित जी ने कहा है, पुनश्च भूयात् भगवदनंत रतिं प्रसंगा तदाश्रयेषु। हे विप्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सारे वैष्णव ब्राह्मण पंडित, मैं पांडव वंशज परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरे जीवन में अगर अगला जन्म मनुष्य का लिखा है, मुझे नहीं लगता मुझे मनुष्य देन्य, देखो राजा का मैं तो कहीं अधम योनि में, क्योंकि मैं इतना खतरनाक काम कर दिया, कुल में कलंक लग जाए ऐसे ऋषि गले में सर्प डाल दिया तो अपने को हीन मानते। लेकिन अगर मेरे भाग्य में कुछ पुण्य के कारण मानव जीवन लिखा है तो हे नाथ, हे सारे ब्राह्मण वैष्णव, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि अगला जन्म मुझे ऐसी जगह मिले मनुष्य रूप में जहां मेरी वैष्णव भक्तों में मित्रता हो, और उन भक्तों के संग में मुझे रति प्रसंगा तदाश्रयेषु, जिसने भगवान का आश्रय लिया है ऐसे भक्तों में मेरी रति मति गति मित्रता हो, और कथा प्रसंगा, और ऐसे भक्तों के मुख से मैं कथा सुनता रहा। आप सब हमको आशीर्वाद दो। इतना बोलना ही था कि उसी साधु मंडल के बीच में भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। चलिए शरीर भले बैठा रहे कलम बोली में,
मन से चलते हैं गंगा तट पर जहां सुखदेव जी पधारो, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव 16 वर्ष के लग रहे थे लेकिन कृष्ण के जैसा कलर था। तुम भी अष्टि वर्ष सुकुमार पाद, शंख जैसा गला था और यमुना जी में जैसे भंवर होती है ना भंवर, ऐसी सुंदर गहरी नाभि थी, बड़े बड़े सुंदर केश, काले घुंघराले कृष्ण जैसे, बिना संचिल शैंपू के चमक रहे थे बाल सुखदेव जी के, एकदम रेशमी पतले घोड़े जैसे नहीं, और कमल जैसी आंखें। 16 वर्ष का युवान सुखदेव जब प्रकट हुआ तो बड़े बड़े दीर्घ जटाधारी दाढ़ीधारी बड़े बड़े महात्मा कश्यप अत्रि गौतम वशिष्ठ परशुराम सब खड़े हो गए, सुखदेव जी की जय जयकार कर रहे। किसी ऋषि मुनि ने तो अपनी अपनी सारी जो जटा थी ना उसको खोल के रजाई पावड़ी की तरह बिछा दी, महाराज इसके ऊपर चल के आ जाओ, हमारा भाग्य जटा का कल्याण हो जाए। कुछ महात्मा दाढ़ीधारी थे, अपने से दाढ़ी से झाड़ू में लगाने बोले सुखदेव जी आ रहे इसको हटाने के, हमारी दाढ़ी सफल हो जाए ऐसी महात्मा की सेवा हो जाए, सब साइड में, और सब ने सबसे श्रेष्ठ आसन दिया। ज्ञान किंकरा सर्वे, उम्र कहां देखी जाती है, किसके पास कितना ज्ञान प्रेम है, भक्ति से बड़ा है ना वो। और सुखदेव जी की जैसे ही आसन बैठे, परीक्षित ने प्रणाम किया, चरण पखाड़े, निवेदन किया, सारा ऋषि मंडल गोलाकार में बैठे, और राजा परीक्षित एक के बाद एक प्रेम से कृष्ण लीला कथा, कृष्ण अवतारों की मधुर मंगलमय कथा के विषय में पूछने लगे, और श्रोता की प्रेम लालसा जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव जी भी प्रेमी वैष्णव शिरोमणि मधुर मधुर मंगलमय भगवान कृष्ण के माधव के सुंदर चरित्र सुनाने लगे। इस तरह सुख मुखात रस वर्षण होने लगा, और प्रभुपाद जी की परम कृपा है कि यही परंपरा से हमें भी प्राप्त हो रहा है। वैष्णव का कहना है कि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी में है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, कुछ भक्तों ने तो इतनी गिनती की है कि 5,96,000 शब्द है अक्षर भागवत जी। भागवत के 10 मुख्य विषय है, ऋषि मुनियों के प्रारंभ में 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है, मूल भागवत चतुश्लोकी अहम नेवा संवाग्रह है, इस तरह बहुत सारा भागवत का वर्णन है, लेकिन हमने सोचा कि चतुश्लोकी भागवत है और आपके पास भी 4 ही दिन है तो 1-2 का 4 तो करना ही है, 4 दिन का ही सत्संग है ना, 22, 23, 24, 25, तो कहने सुनने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा सिद्धांत, बहुत सारा तत्व संदेश बहुत है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो मूल है ना सार, वो है भगवान की लीला, उपदेश नहीं, तत्व नहीं, सार क्या है, जरूरत सबकी है लेकिन सार क्या है, जैसे प्रसाद में पूरी भी होता है, सब्जी भी होता है, खिचड़ी, लेकिन सार होता है स्वीट राइस ढूंढते हम लोग, रसगुल्ला किधर है, बाकी खिचड़ी तो खिचड़ी ही रहता है, सार ढूंढता है ना व्यक्ति, ऐसे श्रीमद् भागवत जी में सार क्या है, कृष्ण लीला, क्योंकि व्यास जी ने अन्य वेद पुराण लिखा तो उसमें उपदेश देने में कोई कमी नहीं रखी, सिद्धांत बताने में कोई कमी नहीं रखी, तत्व बताने कोई कमी नहीं रखी, पूरा ज्ञान कांड उपासना कांड वेदों का भरा पड़ा है, लेकिन नारद जी ने बद्री आश्रम में यही व्यास जी से निवेदन किया कि प्रभु आपको सुख शांति आनंद नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने सच्चिदानंद कृष्ण की विशुद्ध लीला नहीं ली, इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान और उनके भक्तों की जो मधुर लीलाएं है और उनका जो आदान प्रदान जो लीला है उसका वर्णन आप श्रीमद् भागवत का करें, तब आपको खुद को सुख शांति आनंद और फिर संसार में आने वाले जीवों के लिए होगा। तब हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि जैसे व्यास जी ने शिव पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, 17-18 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन सुख शांति नहीं, लेकिन नारद जी की कहने से फिर श्रीमद् भागवत लिखा, लास्ट भागवत के बाद उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसने सुना कि अब लिखने की कोई जरूरत, सार वस्तु आ गई। तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई मां अपने घर में सास के लिए, ससुर के लिए, पति के लिए, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, रोज बनाती है, 2 टाइम बनाती है, लेकिन अपना प्राण का बेटा होता है जो अपने पेट से आया है लाडला,
और उनकी पसंद का स्पेशल हलवा बनाती। होता है आपके घर में ऐसा होता होगा, माँ जो जब कई सालों के बाद बेटा हो और एक ही बेटा हो और प्राण से भी प्यारा हो और उनको स्वीट राइस से हलवा बहुत पसंद, तो उनके लिए स्पेशल वो भाव अलग होता है। और परिवार में सब लोग हैं उनके लिए भी बनता है, लेकिन वो भाव भी कॉमन है, समझ रहे ना। ऐसे ही व्यास जी ने ये सारे वेद पुराण सबके लिए लिखे, लेकिन श्रीमद भागवत अपने प्राण से प्यारे वैष्णव बेटों के लिए दिखाया कि ये तुम्हारे लिए हलवा है, बाकी सभी दाल पूरी सबके लिए है। ये सब पुराण पुराण वेद पढ़ते रहो, लेकिन ये श्रीमद भागवत मधुर मंगलमयी जो हलवा कहिए चाहे स्वीट है, वो वैष्णव के लिए है, जो कृष्ण के प्रेमी भक्त है, जो इस संसार से सुख आनंद के साथ भगवान की नित्य लीला में जाना चाहते हैं, उनको वहां की नित्य लीला यहाँ सुनाई जा रही है। और सुनने के बाद ही मन बनता है, साधना बनती है वहां जाने की, शुद्धता पात्रता वीजा लगता है, सब प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए भक्तों श्रीमद भागवत का सार है कृष्ण लीला। तो हमारे पास चार दिन है, तो हमने सोचा कि भाई उपदेश संदेश तत्व तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो, ये तो आप लोग के पास माइक नहीं है, नहीं तो सबको पता है साथ कुछ नहीं आने वाला, सब संसार मिथ्या है, भगवान का भजन ही सत्य है, ये सबको पता है ना, सबको पता है। अगर दूसरे को उपदेश देना हो तो सब व्यास के अवतार है महाराज। तो हमने सोचा ज्ञान तो हमको झाड़ना नहीं है, क्योंकि ज्ञान देने के हम लायक योग्य भी नहीं है, हम तो दास है। तो हम तो आप वैष्णव की इतनी सेवा करने आए हैं कि आपको भगवान कृष्ण की कुछ लीला सुना दे ताकि सुख आनंद आ जाए। नहीं तो मैं देखता हूं कि यहाँ बम्बई दिल्ली में सब रहने वाले लोग दिन भर काम करते और दुनिया भर का टेंशन लेते, और जब मंदिर सत्संग में जाते तो साधु लोग और टेंशन देते, तो ये बेचारे जाए तो जाए कहां, है ना प्रभु जी। घर में बच्चे बीवी सब उनकी दिमाग खाव रहती है, ऑफिस में जाए तो बॉस लोग खाते रहते, ट्रेन में बस में सब जगह माथा पच्ची, और अब हम सत्संग में आए तो ये लोग भी माथा खाए तो हम जाए कहां पर। इसलिए हमने सोचा आप लोग का माथा नहीं खाना, ना कोई उपदेश सुना था, ना कोई कष्ट देना, बस भगवान कृष्ण की और बलराम की। हमारे प्रभु जी सुना रहे थे कि आपके यहाँ सुंदर कृष्ण बलराम का आगमन हो चुका है, और दोनों भाई एक बल देता है एक आनंद देता है बलराम। हमको दोनों की जरूरत है, बल भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए ना। बलराम कृष्ण बलराम की जरूरत है, और वही दोनों घूमेंगे अब तो आपके नगर में भी। परसों को कब घूमेंगे, 26 को। हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई कृष्ण बलराम घूमेंगे नगर में, तो श्रीमद भागवत में कृष्ण बलराम मथुरा में घूम रहे थे, एक गांव के लड़के सिटी में आ गए तो मॉल वॉल सब देख रहे थे क्या मिल रहा है सिटी में, क्या क्या मिल, क्योंकि गांव में तो होता नहीं सब। तो कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में मथुरा नगर सिटी में घूम रहे, पहली बार आए 11 वर्ष के बाद। वो अक्रूर चाचा लाए थे, कौन लाए थे, अक्रूर ही लाए थे ना, मैं भूल नहीं रहा हूं, क्योंकि क्रूर तो कृष्ण को ला नहीं सकता, अक्रूर ही ला सकता है, क्योंकि जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में तो कंस ने क्रूर भेजना चालू किया, और पहला क्रूर कौन थी आपको पता है, पूतना, पूतना ही थी ना, 6 दिन में पहले ही आई थी। और भगवान ने गीता तो बाद में सुनाई, आचरण पहले किया, विनाशाय च, बोलो 6 दिन में अपना धंधा चालू कर दिया इस आदमी ने बंसी वाले। अब वो 6 दिन के हुए है कृष्ण, और अवतार जन्म का कारण क्या है, एक कारण विनाशाय च, दुष्टों को मारना, 6 दिन में धंधा चालू बताओ। बोले पहले मारूंगा फिर बाद में बोलूंगा विनाशाय च, पहले आचरण फिर उच्चारण, आचार करे ना कि हो करे ना प्रचार, ऐसी बात है, पहले आचार करूंगा फिर प्रचार करूंगा। राम जी ने भी वहां पर पहली राक्षसी ताड़का ही मारी थी ना, मतलब भगवान बता रहे लेडीज फर्स्ट, पता नहीं क्या सिस्टम, हमको पूछना है। वहां पर भी राम जी ने ताड़का मारी, यहां पर ठाकुर जी ने पुतना मारी, मतलब माताओं से श्री गणेश किया दोनों भगवान ने। देखो एक सोचने लायक बात, भगवान को मारना नहीं था, एक को गुरु जी ले आए सामने दिखा दी, ताड़का के लिए विश्वामित्र जी ले गए, भैया मार रहे हैं, आदेश भी दिया दिखाई, मारने को बोला राम जी के, हम क्या करें। और इधर मामा भेजा,
तो अब भगवान के लिए मजबूरी हो गई। और ऐसे भी हमारा देहात में आपके यहां भी होगा, जब बहन को भांजा होता है ना तो मामा कुछ टॉय खिलौने भेजता ही है, भेजता है ना, मामा का काम है कुछ भेजता है, कपड़े भेजता है, खिलौने। तो मामा ने भेजा, भांजे को पसंद नहीं आई, तोड़ दी, तो गुड़िया ही तोड़ दी और डॉल पूतना। तो फिर मामा ने क्या भेजा, एक एरोप्लेन भेजा तुरुणावत। वो भगवान को बिजनेस क्लास में ऊपर लेके गया आकाश में। भगवान ने सोचा मैं ऊपर से नीचे आए तो मेरे को ऊपर वापस ले जा रहा है, अभी सबका उद्धार करना बाकी है यार। वो सीधा भगवान को उठाया और आकाश में तृणावर, वो बड़ा ही बवंडर साइक्लोन आया था, तो भगवान को उठा के ले गया ऊपर। तो भगवान ने कहा अभी ऊपर जाने में टाइम है, तेरे को ऊपर भेजता हूं। तो उनको ऊपर भेजा, भगवान खुद नीचे आए, मतलब एरोप्लेन भी तोड़ दिया। तो कंस ने सोचा कि बच्चे को डॉल पसंद नहीं आई, भांजे को एरोप्लेन पसंद नहीं आया, तो अभी एक बैलगाड़ी भेजते हैं। वो शक्तासु क्या नाम था, वो गांव का लड़का, गांव में तो बैलगाड़ी होता है ना, तो वो भेजा, भगवान ने उसको भी तोड़ दी। छोटे बच्चे तो तोड़ ही देते जोड़ी को, और कुछ लोग बड़े होने के बाद भी आदत सुधरती नहीं, तोड़ी देते, तोड़ना कहां। अब एक के बाद अघासुर आया, बकासुर आया, क्या क्या, वत्सासुर आया, अरिष्टासुर आया, केशी आया। लेकिन भगवान ने कहा गीता में आगे जाके बोलना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। देखो कृष्ण लीला कितनी सुंदर है, बस कहने का तरीका होना चाहिए। जितने क्रूर थे कंस भेजता गया हमारे ठाकुर जी उसको, गोविंदाय नमो नमः। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया, असुर सकल पाइलो शरण विनोद थाकिलो बस, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावा। भगवान मारते नहीं तारते, दिखने में लगता है कि पूतना को मारी, लेकिन शास्त्र प्रमाण है कि पूतना को मां की गति थी। देखने में लगता है बकासुर अगासुर को मारा, लेकिन भगवान मारते नहीं मुक्त करते। हमारे गुरुदेव समझाते थे कि जैसे मान लीजिए कोई भिखारी व्यक्ति हो जो दर दर की ठोकरें खा रहा हो, भूखा मर रहा हो, और उसको बंबई का कोई करोड़पति सेठ सामने मिल जाए और भिखारी को एक तमाचा जोर से मारे और उसको डांटे कि बोले तू यहां भीख मांग रहा है, परेशान हो रहा है। जहां जुहू में, बॉम्बे में नरीमोन पॉइंट पे समुद्र के तट पर मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है, बंगला, उसमें जाके रह जा, एक तमाचा मार के भिखारी को सेठ बोले कि इधर घूम रहा है, चल जा 5 करोड़ का बंगला तेरा उसमें रहे। अगर खारगर का भिखारी होगा ना तो बोलेगा और एक मारो, होगा दूसरा बंगला है क्या, बोलेगा कि नहीं बताओ। एक तमाचे में अगर इतना मिलता हो तो और एक लगा दो भाई, मेरे भाई को काम आएगा। मतलब ये दिख रहा है मारना, लेकिन वास्तव में मारना है ना, ये है तारना। क्योंकि कृष्ण को पता था कि ये पूतना मौसी या ये हमारा अघासुर मामा का भाई, ये कभी सोला माला करने वाला है नहीं, इनका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। कुछ लातों के भूत होते हैं ना, क्या करे ठाकुर जी, भगवान का काम है उद्धार करना, जो भी सामने मिला कैसे करना, स्टाइल उसकी है, ऑपरेशन कैसे करना डॉक्टर समझेगा, डॉक्टर को पता है ना कौन सा दर्दी कैसा, लेकिन करता भला है। जैसे सूर्य चाहे तो भी अंधकार नहीं उगल सकता, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया जी चाहे तो भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। सुयदम सर्व भूताना, चंद्रमा कभी आग नहीं उगल सकता, ऐसे कृष्ण कभी किसी का दुख, किसी को दुख दे नहीं सकते, वो सबका हित ही करते। लेकिन वो उसमें हित है उसे समझ में नहीं आता, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन भरता है तो बच्चा रोता है, दुख होता है, लेकिन उसके लिए भले के लिए वो बेचारा वो समझता, बस ये दशा। लेकिन कृष्ण कृष्ण है, उनकी कृपा का फेज है। जैसे मान लीजिए कोई कोई गोल्ड का बिजनेस करता हो, हीरो का गोल्ड का जवेरी जौहरी, और वो आपके ऊपर नाराज हो जाए और सोना मोहर प्योर गोल्ड का होगा और उठा के आपको मारे, एक दूसरा मारे, आपको लगेगा हाँ, फिर आप देखोगे गोल्ड का है तो फिर इंतजार करोगे और एक मारना भाई, थोड़ा लगेगा लेकिन अभी कितना भाव है सोने का पता है आपको, 40-50 हो गया, ये बढ़ ही रहा है। तो कोई सुवर्ण मोहर से मारे तो ये तो मारना दुख है कि सुख है, बताओ सुख है। हम तो चाहेंगे और दो तीन मार दो,
एक दिन आराम करेंगे लेकिन जन्म जन्म की दरिद्रता जाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी जो मारते हैं ना, वो दिखता है मारते। लघु भागवत में रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा, अचिंत्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अचिंत्य शक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अतारी गतिदायक भगवान श्री कृष्ण हत अति अरी, अरी को मारते हत अरी, अरी मतलब शत्रु, हत मतलब मारना, मारते हैं कि दिखता है कि दुश्मन को मार रहे हैं लेकिन वास्तव में गतिदायक है, मारते नहीं है तारते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का जो प्रयोजन था, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन इति दृक्ष्व लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजनतम आख्यापयंतम, भगवान के अवतार का कारण है अपने भक्तों को आनंद देना, ब्रजवासियों को सुख आनंद देते गए और वहां पर दुष्टों को मारते गए। कंस ने सोचा कि दुनिया में मेरे जितने मित्र क्रूर थे उसको मैंने भेजा तो कृष्ण ने मारा, कृष्ण आया नहीं, अब क्या करूं। बोले क्रूर से नहीं आएगा, अक्रूर को भेजता हूं। तो सारे क्रूर मर गए, तब ब्रज में कौन आया, अक्रूर जी महाराज। और भगवान अक्रूर के साथ अवतार का दूसरा फेज तो करना था, धर्म संस्थाप, मुरली बहुत बजा ली, रास बहुत खेल लिया ठाकुर जी ने। अब उसने सोचा कि चलो धर्म की स्थापना के लिए हमारा अवतार हुआ है तो धर्म कर्मों को आगे बढ़ाना है, इसलिए भगवान का इच्छा से नारद जी का मिलना, कंस का अक्रूर को भेजना, गोपियों का रोना, सारा गोकुल सुना, मधुवन सुना, सुना यमुना घाट, और शाम चले अक्रूर के साथ। गोपियों ने अपना शरीर रथ के आगे लगा दिया, बोले अक्रूर जी हमारे प्राण को ले जा रहे हो, प्राण से प्यारे प्रियतम को ले जा रहे हो, अब ये जीने से क्या फायदा, इस रथ के चक्के को पहिए को हमारे शरीर के ऊपर समाधि लगा दो, चकना चोर करके। ठाकुर जी ने रथ रुकवाया और सारी गोपियों से निवेदन किया, आयास्य, भगवान संस्कृत में भागवत जी में बोले आयास्य मतलब मैं आऊंगा, कब नहीं बोला, मैं आऊंगा, बस ये एक वाक्य गोपियों के जीवन प्राण का आधार बन गया कि हमारा प्रियतम बोला है आएंगे, इसी इंतजार में। ये सच्चा प्रेम था ना, प्रेम कोई खेल नहीं जिसमें हार हो या जीत हो, प्रेम वो है कि पक्का है कि प्रियतम को नहीं आना फिर भी उसके आने का इंतजार। सच्चा प्रेम कभी फरियाद नहीं करता, मोहब्बत का कानून इजाजत नहीं देता फरियाद की, लेकिन हम लोग ने तो प्रेम किया ही नहीं इसलिए फरियाद ही फरियाद, कंप्लेन ही कंप्लेन पड़ी है। प्रतिकूलता भी परमात्मा का प्रसाद लगे प्रेमी को, कोई दुख आ जाए तो सत्य नुकंपा सुस्मिक क्षमाणो, मेरे कर्म तो इससे भी ज्यादा कष्ट दुख देने वाले मेरे जीवन में आने वाले होंगे, लेकिन कृष्ण की और गुरु की कृपा है कि जहां तलवार लगने वाली थी वहां कांटा चुपा के हमको छोड़ दिया। भक्त ऐसा सोचता कि प्रभु हमने तो भारी भारी पाप और गलती अपराध किए हैं, आपकी करुणा है कि आपने कम करके हमको इतना ही दिया, कंप्लेन नहीं करता, थैंक यू कहता रहता है, मार भी राख भी जो इच्छा तो है, हे नाथ हम तुम्हारे हैं, आप जिसमें रजा तेरी रजा में ही हम राजी, ऐसा है, आप खुश उसमें खुश, ये है शुद्ध भक्ति। गोपियों ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोले आप आएंगे ना, हाँ, और भगवान अक्रूर जी ने रथ चला दिया और गोपियां रोती रह गई, लेकिन रोते रोते गोपियों ने कहा कि सखी हमारे जीवन में आज से अमावस्या ग्रहण लग गया, क्योंकि पूनम के चांद जैसा ये कन्हैया का मुखड़ा, कल मथुरा की स्त्रियों का भाग्य खुलेगा कि वहां रोज पूर्णिमा होगी मथुरा में और गोकुल में रोज अमावस्या होगी। जिस कन्हैया की बंसी सुनकर हम पानी भरने जाती थी, जिस कन्हैया का मुख दर्शन करके हम जीवन जीती थी, ये आज से सखी हमें नहीं मिलेगा, ये सौभाग्य तो ब्रज की गोपियों का गया। अब तो शहर में रहने वाली मथुरा की जो नारिया है उनका सौभाग्य होगा सखी, क्योंकि इस परम पुरुष का मुखड़ा कल वो नारिया देखेगी। गोपिया इस तरह बहुत रोती बिलखती रह गई। और आपकी जानकारी के लिए फाल्गुन महीना, फाल्गुन, फाल्गुन कहते ना, क्या कहते फाल्गुन, कार्तिक माक्षर पोष, अभी आने वाला होली लगता है ना उसके बाद फाल्गुन,
शिवरात्रि, आपकी जानकारी के लिए शिवरात्रि शायद पता होगा आपको, क्योंकि आप बंबई में रह के जनवरी फरवरी मार्च के चक्कर में ये सब तो भूल ही गए होंगे, मात्सर कार्तिक कब कहाँ है, कौन सी तिथि, राम जाने। लेकिन शिवरात्रि की जो रात है वो कंस का तिरोभाव तिथि है। ओके, ठाकुर जी ने गोविंद कंस को उसी दिन मारा था। तो जो फागुन महीने की शुक्ल एकादशी जो थी, एकादशी अक्रूर जी ने उपवास किया एकादशी को, फागुन महीने की शुक्ल, और पूरा दिन एकादशी उपवास किया। दूसरे दिन द्वादशी को मॉर्निंग में वो चले गोकुल के लिए कृष्ण को लेने। कंस ने मीटिंग किया, रख दिया कृष्ण, कंस ने अपना खुद का प्योर गोल्ड का और बड़े बड़े डायमंड मणि लगे थे, ऐसे खरबों करोड़ों रुपए का रथ था जो कंस स्पेशल रखता था, वो अक्रूर जी को दिया कि बोले ये ले जाओ मेरी गाड़ी, क्योंकि कंस ऐसा सोच रहा था कि शायद रथ दे के कृष्ण बलराम आ जाए, क्योंकि गांव के बच्चे गाड़ी देख के उसमें बैठना चाहते ना, हाँ भाई नई गाड़ी आई। तो कंस खुद अपना रथ दिया और अक्रूर को बोला कि जाके उस मेरे दोनों भांजे को लेके आओ। क्यों? बोले मुझे यहाँ उत्सव करना है, यज्ञ करना है, शिवरात्रि का एक यज्ञ करना है जिसमें धनुष की पूजा होगी। अब अंदर बाहर से ये बोल रहा है, अंदर से तो सारा प्लान मारने का था, चारुण मुष्टिक को तैयार किया था, कुबला पीड़ को तैयार किया था, रजक को तैयार किया था, खुद वो भी तैयार था। बोले कुछ ना कुछ करके इन दोनों को रिटर्न टिकट है नहीं, बस आप लेके आओ। लेकिन अक्रूर को खुला तो बोल नहीं सकता कंस, तो इस तरह का प्लान था। अब अक्रूर जी सुबह द्वादशी के दिन मॉर्निंग में चले। अब अक्रूर जी अपने जीवन में भाग्य मना रहे हैं कि चलो इतना साल इस कंस की खल की नौकरी किया, लेकिन जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान बंबई की भाषा में, बोले ये दुष्ट हमको खुद कृष्ण के पास भेज रहा है, तो आज मेरे जीवन का भाग्य होगा कि मैं कृष्ण और बलराम का मुखड़ा देखूंगा। इसी के बहाने तो कर रहे थे। और कंस की नौकरी करने का अक्रूर का और भी कारण था, क्योंकि वो यादवों की सुरक्षा, कोई पोस्ट होती है ना तभी तो भक्तों की सुरक्षा कर सकते हैं। बोले ये कंस की कुछ चापलूसी करूंगा तो कंस के अंडर में रहकर मेरे हाथ में पावर पैसा रहेगा, तभी तो मैं इन यादवों की अर्थात ये वसुदेव उनकी पत्नियां उनसे जुड़े हुए जो सज्जन उनकी रक्षा कर पाऊंगा। ये उनका पॉजिटिव मूड था। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा कि ये भाव तो मेरा अच्छा है लेकिन काम तो खराब ही हो रहा है, कंस की नौकरी, लेकिन आज मेरी नौकरी भी छुट्टी लगेगी, आज मैं कृष्ण बलराम का मुख देखूंगा, मेरा भाग्य खुलेगा। इस तरह रथ चल चलाना भूल गए, सोचते रहे, बड़े बड़े मनोरथ करते रहे, क्या कृष्ण मुझे दर्शन देंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं गोकुल पहुंचूंगा तो कन्हैया तो कन्हैया है, मुझे देख के बोलेगा अक्रूर चाचा, ऐसे बच्चे दौड़ते ना, तो बोले तब मेरा जीवन सफल होगा, क्योंकि कृष्ण मुझे अक्रूर बोलेगा तो वास्तव में कृष्ण का वचन सत्य व्रतम होता, मैं उस दिन असली में अक्रूर हो जाऊंगा। नहीं तो दुनिया मुझे क्रूर कहेगी कि ये देखो गोपी अक्रूर कहेगी कि कृष्ण को ले जा रहा है, लेकिन कृष्ण मुझे अक्रूर का सर्टिफिकेट दे देंगे तो मैं वास्तव में अक्रूर, क्योंकि कृष्ण झूठ बोलते। इस तरह बहुत सुंदर प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग करते करते द्वादशी की संध्या हो गई, पारण भी गया, थाना भी याद नहीं आ रहा है, केवल कृष्ण बलराम दिमाग में चढ़े पड़े अक्रूर महाराज के। और 5-6 बजे गोकुल में पहुंचे, नंद भवन में, नंद आंगन में, नंद गांव में, और वहां पर गैया दोहन का गोधूली बेला का टाइम था, घोष हो रहा है, भैया दोहनी लाओ, उधर देख गाय बछड़ा देख रहे, देख रहे भाई तू, ए भाई तू अभी तक झाड़ू नहीं निकाला, गांव में जैसे होता है ना 5-6 बजे, अरे तुम ब्यालू का टाइम हो गया, रोटा कब बनाएगी, सब चिल्ला रहे। ब्रज का सुंदर आवाज, अक्रूर का रज जैसे ही पहुंचा और ब्रज की रज में उसने जब नीचे नजर डाली तो कृष्ण के चरण के अंदर जो चिन्ह थे ना, 19 चिन्ह है कृष्ण के चरण के, और वो रज में भगवान के चरण जहां पड़ते वहां चिन्ह को देख लिया, और अक्रूर जी रथ से गिरे और उन चरणों में लौटने लगे, समझ गए कृष्ण का चिन्ह, क्योंकि धरती माता भी ठाकुर जी के चरणों की छाप को छोड़ती नहीं थी, उसके ऊपर से रथ चला जाए, गैया चला जाए, गैया चली जाए कितनी, फिर भी वो चिन्ह उभरे रहते थे। कोई भी गोपी इसीलिए कभी भी किसी कृष्ण को ढूंढना हो ब्रज में, सिंपल था, लोग देते देखो चरणों को निशान, देखो जहां गया वहीं पकड़ने आ जाएगा। और कितना बड़ा भाग्य है गोकुल की गोपियों का कि कृष्ण के चरण ढूंढते ढूंढते कृष्ण को ढूंढ लेती।
यही तो जीवन का लक्ष्य है जो योगिंद्र मुनिंद्र करते रहते। अक्रूर उसमें लौटने लगे, तब तक कृष्ण ने देख लिया, है चाचा है, दाऊ और कृष्ण दोनों दौड़े। एक हाथ में दोहनी था, गाय दोहने की दोहनी होती है ना, धार निकालने की, दूध निकालने की। दाऊ चाचा दोनों दौड़े और अक्रूर जी का एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, एक हाथ बलराम ने, क्योंकि चाचा बाबा के समान होता ना, पिता का भाई मतलब पिता ही समझ लीजिए। और आनंद से बोले चलो, और नंद बाबा के पास ले गए। नंद बाबा अक्रूर प्रेम से मिले, भोजन हुआ, रात्रि भर मीटिंग हुआ। और रात में अक्रूर ने कहा, प्रयोजन बताया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया। नंद भजे ने कहा क्यों, बोले आपके बेटे गांव में रहेंगे तो कौन जाने, सिटी में जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, पेपर में आएगा, कंस चीफ गेस्ट बन रहा है मथुरा के राजा के। क्या क्या उत्पटन बातें हुई नंद बाबा की, समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन समझ गए कि हमारा जीवन धन जा। लेकिन मैं वापस ले आऊ, एक बार भेज दो, और बाबा आपने नहीं भेजा तो कंस अपने सैनिक भेजेगा और लोगों को परेशान करेगा। और सारी बातें हुई भक्तों, अंत में निर्णय हुआ कि ठीक है, और यशोदा तो क्या कहे, सुखदेव जी ने कुछ लिखा ही नहीं, लिख ही नहीं पाए वो, क्योंकि यशोदा का वर्णन करने का सामर्थ्य, वो वाणी की शक्ति ना शारदा के पास है ना शेष के पास। सुखदेव मौन हो गए। माँ यशोदा जब कन्हैया जा रहा है, उसका तो जीवन प्राण। तो भक्तों द्वादशी की रात इस तरह गई, तीन त्रयोदशी, अब फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, सुबह सुबह 8 बजे रथ तैयार होना था, सूर्य उगते ही कलेवा होते ही रथ तैयार होकर चल दिया। अब हमने आपको सुनाया कि गोपियों की कथा तो हो गई, प्राण प्रसन्न दिए, लेकिन भगवान वचन लेके आगे निकल गए। तो त्रयोदशी फाल्गुन की दोपहर में 12-1 बजे कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंचे। बोलिए कृष्ण बलराम की, मथुरा धाम की, सुखदेव परीक्षित की, कथा में सोने वाले की। तो भाई कृष्ण बलराम मथुरा में आए तो थोड़ा जय जयकार तो करना पड़ेगा ना, कथा की लिंक तो बतानी पड़ेगी। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम एक था, सबने कथा पता है कि बीच में यमुना जी आती, और अक्रूर जी 12 बजे दोपहर में संध्या करने यमुना जी में स्नान करने गए, और भगवान कन्हैया ने नदी में ही तो क्रांति कमाल दिखा दिया, मूल दर्शन अक्रूर जी ने स्तुति किया, तो 1-1.5 घंटा नदी में चला गया। तो नंद बाबा मधु मंगल सब सखा श्रीदाम आदि वो बैलगाड़ी से चल रहे थे, क्योंकि वो भी जाना चाहते थे मथुरा का उत्सव देखेंगे, स्टेडियम लगेगा, क्रिकेट मैच है, इंडिया पाकिस्तान तो हम भी देखेंगे, तमाशा हम भी देखेंगे, पुराना गान हम भी देखे, सबको देखना है, कौन नहीं देखना चाहता। इसलिए सारे सखा नंद बाबा बैलगाड़ी पे होके आए थे, वो मथुरा पहले पहुंच गए। तो मथुरा की बॉर्डर में जाते ही नंद बाबा ने अपनी बैलगाड़ी को छोड़ा, मतलब बैलों को थोड़ा चारा डाला, शांति लिया, और सब वहां इंतजार कर रहे थे कि बोले इसी रास्ते से रथ आएगा, यमुना पार करके तो इसी यही रास्ता आता है, तो इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही नंद बाबा सखा लोग इंतजार करते करते थके, 1-1.5 घंटे में मतलब 1:30-2 बजा कि अक्रूर का रथ आया। तो कृष्ण बलराम का नंद बाबा और सखाओं के साथ जो सुबह से बिछड़े थे 8-9 बजे से गोकुल में, नंद भवन में, ब्रज में, वो मथुरा में 1:30-2 बजे फिर से मिलन हुआ, लंच टाइम में मिलन हुआ। अब अक्रूर जी ने कहा कि कृष्णा, अब अक्रूर जी की दशा कुछ और थी, क्योंकि उसने नदी में देख लिया था कि ये कृष्ण साक्षात काल का भी काल है, क्योंकि नदी में भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया, शेषनाग पर बलराम बन गए और कृष्ण चतुर्भुज बन के ऊपर सो गए। अक्रूर जी ऊपर आके देखे तो रथ में भी दोनों बैठे, नीचे जाए तो नीचे भी है, बोले ये 2-in-1 है, भगवान ने कहा 2-in-1 है, 2-in-1 तो तुमको दिख रहा। फिर अक्रूर जी ने स्तुति किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसका भी एक कारण था, क्योंकि अक्रूर जी के मन में डर था कि कृष्ण कितना सुंदर है, बलराम कितना कोमल है, और वो कंस क्रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इन दोनों को कष्ट देगा, मारेगा। लेकिन जब यमुना जी ने देख लिया कि ये तो काल के भी काल है, तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि अब तो कंस का आधार कार्ड से नाम कटेगा, इन दोनों का कोई कुछ बिगाड़
क्योंकि उसने नदी में देखा यमुना में कि शिव ब्रह्मा देवों के देव महादेव जो महामृत्युंजय अध्यक्ष है और काल के काल यमराज वे भी इनकी स्तुति कर रहे थे। यमुना नदी में यमराज कालाध्यक्ष और उससे भी बड़े श्रेष्ठ जो होलसेल में सबका विनाश करते हैं, ये तो रिटेल दुकान चलाते हैं यमराज जी, लेकिन होलसेल मारने का धंधा महादेव करते हैं तांडव करके। बोले ये दोनों का दुकान जहां चलता है वो दोनों यहां दंडवत मार रहे हैं, तो इनको तो कौन मार सकता है। इसलिए अक्रूर जी तो भरोसा हो गया कि अब कोई चिंता नहीं, अब जो होना नहीं, तो बिचारे को डर था, चाचा है ना, डर रहता ना, अपनों के प्रति चिंता रहती है। तो रूप देख के अक्रूर बिंदास हो चुके थे। अब अक्रूर जी ने कहा, सुनो कृष्ण, सुनो बलराम, चलो हमारे घर। कृष्ण ने कहा, देखो चाचा, हम आपके घर नहीं आएंगे, हमारे लिए यही ठीक है, हम लोग को वन में पेड़ के नीचे नदी तट पर खुले में अच्छा लगता है, ये फ्लैट सिस्टम में डोर रूम बेड किचन में सांस घुट जाए ऐसे मर जाए हम, ये तो गांव छोड़ने की सजा पाई है कि शहरों में बिना सांस के जहां खुले हवा सांस नहीं मिलती वहां जी मरते हुए जी रहे, कहीं सत्य तो नहीं बोल रहा ना। अपनी जमीन अपना गांव छोड़ने की सजा ये मिली है बेटो कि शहरों में कुछ ही स्क्वायर फीट में सांस भी नहीं ले पा रहे और जिए जा रहे हैं, क्या करें, यही जिंदगी हमने खुद चॉइस की है हमारी। भगवान ने कहा हमको नहीं जमेगा भैया, अब जाओ। अक्रूर जी ने कहा, देखो कृष्ण, तुम्हारा चाचा जो है ना वो मथुरा का महामंत्री है, कंस ने, कंस का मंत्री, इसलिए हमारा फ्लैट जो है ना वो कोई 2-3 हजार स्क्वायर फीट का नहीं है, बड़ा महल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। महामंत्री का तो अपना ठाट बाट होता है ना प्रभु जी। अक्रूर जी ने कहा, हमारा महल बहुत बड़ा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब आ जाओ। कृष्ण ने कहा, चाचा एक और समस्या है, अगर हम दोनों भाई आएंगे और हमारे ये सखा मधुमंगल है, श्रीदाम है, स्तोक कृष्ण है, वो यहां रह जाए और हम दोनों आए तो ये अच्छा नहीं। बोले अक्रूर जी ने कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, सबको लेके आ जाओ। कृष्ण ने कहा, फिर भी चिंता है। बोले हम गांव के रहने वाले, कल्चर पता नहीं शहरों में सोफे पर कैसे बैठना, हम लोग जूता निकालते हैं, फिर चाची का दिमाग चढ़ जाएगा, आपका भी खाना बंद हो जाएगा रेशन पर, ऐसा होता है ना, घर साफ तो उनको करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं आपका घर बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, ओके, लेकिन हमारे जो सखा है ना उनको वैष्णव एटिकेट नहीं मालूम, क्लास नहीं किए है, हम लोग तो खाते खाते सोते, नाचते गाते उड़ाते, और फिर आपके महल में है ना बड़ी तकलीफ हो जाएगी, सारा तहस नहस कर देंगे जैसे राम जी के बंदर। जनकपुरी में आमंत्रण था तो राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे ससुराल में, क्योंकि पूरी सेना थी, विजय करके आए ना लंका अयोध्या में, फिर जनक महाराज को पता चला कि हमारा जमाई रावण को मार के आया है, तो खाने का न्योता दिया राम जी को, राम जी ने कहा न्योता स्वीकार नहीं है, बोले अकेले आ नहीं सकते और मंडली को ले जा नहीं सकते। जनक जी ने कहा सब भालू बंदर सबको लेके आओ, सबकी पार्टी होगी, सबके लिए खाना है। राम जी ने कहा हमारी बची कुछ इज्जत भी करवा देंगे, क्योंकि ये बंदर है, हम जब प्रवचन करते तो भी पेड़ पे बैठते थे, वहां से केला उड़ाते थे, उनको वहां ससुराल में कैसे ले जाए। लक्ष्मण जी ने एक महीना क्लास दिया वैष्णव एटिकेट का इन बंदरों को, फिर लक्ष्मण जी ने सर्टिफिकेट दिया, दीक्षा का होता है ना कोर्स हो गया इनका, डिसाइपल कोर्स इनका हो चुका है, तो लक्ष्मण जी अध्यक्ष थे, सारे बंदरों को लक्ष्मण जी ने डिसाइपल कोर्स करा दिया। बोले ये दीक्षा के लाए, राम जी ने कहा चलो अब जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां जाके खुराफात कर दिए जनकपुर में, राम जी की कथा है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा हमको छोड़ो तब। तब अक्रूर जी ने बहुत सुंदर बात कही भक्तों, बोले सौभाग्य से तुम्हारी चाची है ना वो हमसे भी अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा सोफा कुर्सी रजाई कुछ भी खराब कर देना आपके सखा, कोई चिंता की बात नहीं, और भोजन भी सबके लिए पर्याप्त मात्रा में बढ़िया, क्योंकि चाची दिलवा दी है, और हमारा घर है ना भले सोने चांदी से बना है, महल है लेकिन अनाथ है,
हे ठाकुर जी, आपके चरण न पड़े और आपके भक्तों के चरण न पड़े तब तक हमारा घर कितना ही अच्छा हो लेकिन आग लगे उसमें क्या फायदा। सनातन कुर्वन, अक्रूर जी ने रोते रोते कहा कि हे कृष्ण, क्योंकि अब तो जान चुके थे कि ये परम ब्रह्म है। अब तक तो भतीजा भतीजा का मूड था जब गोकुल गए थे, आने के बाद पता चला कि भतीजा तो सबका बाप है, यमुना में ओरिजिनल दर्शन पा गए। इसलिए बोले अब प्रभु जी आप नाथ हो पूरे जगत के, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, आप अपने भक्तों के साथ हमारे घर पर चरण पधारिए तो मेरा घर जो अनाथ है ना वो सनाथ हो जाए। और वास्तव में याद रखिएगा भक्तों, जब तक भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण हमारे घर में न पड़े तब तक वो घर, भागवत जी में लिखा है कि वो सियार की फॉक्स लोमड़ी क्या कहते, वो स्मशान है। देखो आप कितना ही सुंदर फर्नीचर लगा दो, डेकोरेशन कर दो, उसमें घर सुंदर बन सकता है पवित्र नहीं हो सकता। सुंदर लगना और पवित्रता में फर्क है, आप समझ रहे हो। सुंदर हो जाएगा डेकोरेशन, आपका फर्नीचर, आपका सब कुछ, सोफा सेट, क्रोकरी सेट, सब कुछ आपका सेट, अपने उसमें रहने वाले आप सेट है, वो अलग बात है, बाकी सब सेट है। इसलिए देखो आपको एक एग्जांपल याद कराता हूं रामायण का। पूरी लंका सोने की थी, गोल्ड की, और हनुमान जी ने आग लगा दी, सब जानते हो आप। लेकिन वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक बहुत सुंदर दोहा लिखा उस प्रसंग में, झारा नगर निमेश एक माही। हनुमान जी ने अपनी कौतुक खेल में एक निमेश, निमेश मतलब पलक गिरने का समय, कुछ ही सेकंड में पूरी लंका आग में जला दी। झारा नगर निमेश एक माही, एक विभीषण गृह नाही। लेकिन एक घर नहीं जल रहा था, किसका था? विभीषण का। अच्छा सारी लंका जल रही है, विभीषण का घर क्यों नहीं जल रहा, एक प्रश्न होना चाहिए। हनुमान जी ने नहीं जलाया कि अग्निदेव ने अपना ठंडा कर दिया काम? क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान के चरण पड़ चुके थे। लंका में आते ही पहला विजिट हनुमान जी ने कहां किया? विभीषण के घर। और जिस घर में भगवान के भक्त के चरण पड़ जाए ना, वहां पर देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं कि उस घर का बुरा कर दे। आपको हम क्या क्या उदाहरण दें, आपको रामायण इतना दूर पड़ता हो तो हमारे जगन्नाथपुरी में, वीरभूम जिला में, मतलब बंगाल में, जयदेव गोस्वामी जो जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाते हैं, उनकी कथा में आता है, और नामदेव की कथा में भी, आपके महाराष्ट्र ने भी हम याद कराए, कहां कहां उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं। रामायण तो, लंका तो बहुत दूर है, बंगाल और दूर है, लेकिन आपका महाराष्ट्र पंढरपुर तो एकदम नजदीक है। नामदेव के घर में भी आग लगी थी, जयदेव के घर में भी आग लगी थी, और यहां लंका में भी आग लगी थी, और हमारे तो अंदर भी आग लगी है, जठराग्नि भी है, कामाग्नि भी है, क्रोधाग्नि भी है, संसार दावानल तो है ही है, आग ही आ गया चल। लेकिन भक्तों बहुत सारे दृष्टांत है, प्रहलाद भी आग में बैठ गई, कौन थी? बुआ, बुआ ना, होलिका, हिरण्यकशिपु की क्या लगती थी? बहन, तो इनकी बुआ हुई ना। लेकिन इतिहास गवाह है कि बुआ धुआं हो गई, बुआ क्या हो गई? धुआं। लेकिन प्रहलाद को आग ने टच नहीं किया, क्यों? क्या अग्निदेव क्यों? क्योंकि अग्निदेव हो चाहे वरुण देव हो, भक्त का बुरा वरदान किसको था? होलिका का, जल गई वो खुद, प्रहलाद को कोई वरदान नहीं, लेकिन जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सबको, राखे कृष्ण मारे के, ये बात है। इसलिए तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गोविंद अर्जुन से कहते हैं कि बोल्डली अनाउंस माय डिवोटी नेवर पेरिश, अर्जुन तुम घोषणा करो नमे भक्त प्रणश्य। कितना सचोट शास्त्र की बात और संतों का दृष्टांत सामने।
वो पूरी आग लग गई थी नामदेव के घर पर। किसी ने कहा, नामदेव तेरे घर में आग लगी है। कुछ पड़ोसी अच्छे थे, बोले कुछ घर के सामान बचा लो, जो अभी बचा ले। तो कुछ बाहर रखा था, वो धीरे धीरे बाहर निकाल गए। नामदेव जी जैसे ही गए अपने घर में, बोले क्या हो रहा है? तो जो सामान बाहर निकाला था नामदेव अंदर डाल रहे। अग्निदेव आप स्वीकार करो स्वाहा। सबने कहा पागल है क्या, तो तेरे लिए हम लोग इतना मेहनत करके बाहर डाल, तू है कि अंदर डाल रहा है? बोले भगवान की जैसी इच्छा। अब देखो ऐसे भगत मिल जाए। गांव वालों ने कहा नामा पागल हो गया, छोड़ो इसको, इसका सामान ही नहीं बचा। और नामदेव जैसे ही घर में घुसे जलती हुई आग में, सारा अग्नि शांत। अग्निदेव की कहां सामना, वही बात वहां हो गई जयदेव के पास। जयदेव जी के पिताजी मर गए। एक गांव का व्यक्ति था निरंजन नाम का, चीटर था, और वो गया नामदेव के पास। बोले तारी सारी, तेरी सारी जमीन और तेरा घर मेरा। क्यों? क्योंकि तेरे बाप ने कर्जा लिया मेरे से, निकल यहां से। नामदेव साधु बोले अच्छा चलो, एक दो घर का यही हमारा चिंता था, कैसे संभालू? आप ले लो तो बढ़िया से राम राम करेंगे, कोई चिंता नहीं। नामदेव जी बोले ठीक है ले जाओ। अब जैसे ही नामदेव जी का सारा जमीन और घर हड़प लिया और निरंजन और अपने घर गया, तो किसी ने सामने से मैसेज दिया कि तेरा घर जल रहा है। तोमस्थाने अपराधे नाही परी, भक्त का अपराध करने पर देवता भगवान छोड़ते नहीं। अब किसी ने कहा कि नामदेव तेरा जो निरंजन था ना, जो तेरे बाप का कर्जे में चीटिंग किया, जमीन ले लिया, उसका घर जल रहा है। नामदेव दौड़े फटाक से, बोले मेरा बाप जिससे कर्जा लिया उसका बुरा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही उस निरंजन के घर में आग लगी थी उसमें घुसे नामदेव, सारी आग शांत। उसकी बेटी अंदर मरने मर रही थी, कोई नहीं जा पा रहा था। नामदेव गए, अग्निदेव शांत हो गए। ये आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना सुना रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं है। जयदेव गोस्वामी 800 वर्ष पुरानी। नामदेव का जयदेव का चरित्र जो अभी सुना रहे हैं भक्तों, तब वो निरंजन रोने लगा कि जिसका मैं गलती से चीटिंग करके, वो मेरी जान और मेरा घर मेरी बेटी बचा लिया, चरणों में गिर गया। बोले माफ कर दो, मैं गलती किया, मेरा कुछ भी कर्जा नहीं लिया तुम्हारा, बाप सब तुम्हारा है। नामदेव ने कहा भाई तू नहीं तो कोई और आएगा, तू ही रख भाई, हमारे लिए असली धन हरि नाम है, चले गए। तो ऐसे दृष्टांत है भक्तों, जहां पर भक्ति होती है ना वहां मुक्ति सिद्धि अपने आप आती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उस पर 33 करोड़ देवता अपने आप कृपा, मांगना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। विभीषण का घर रामायण में नहीं जला, क्योंकि विभीषण के घर में हनुमान जैसे भक्त के चरण पड़ गए, वहां अग्निदेव की भी सामर्थ नहीं है। और हनुमान जी क्यों गए थे वहां पर, लंका इतनी बड़ी थी, तो विभीषण का घर ही क्यों गए? क्योंकि एक ही घर ऐसा दिखा जिसमें तुलसी का पौधा, जिसमें राम नाम लिखा। हनुमान जी ने सोचा कि ये शायद किस कौन से जुड़ा हुआ होगा, नहीं तो मिलता नहीं। बोले ये एक भगत दिख रहा है, लेकिन हनुमान जी को डाउट भी हुआ कि शायद ये भी चीटर हो सकता है। जिसका मोटा तिलक और जिसकी वाणी मीठी, बेईमानी की यही बड़ी निशानी। हमारे यहां कहते हैं कि जिसका तिलक मोटा और जिसकी वाणी मीठी, बेईमानी की यही बड़ी निशानी। कलयुग में तो सब है। हनुमान जी ने सोचा कोई हमको देख लिया होगा सीसी कैमरा में, और हमको चीट करने के लिए ये सब तिलक बिलक मार दिया है, तुलसी तुलसी लगा, इसलिए वो भी ब्राह्मण बन के गए। बाद में तो विभीषण का घर निकल गया, तो असली था। तो मैं क्या निवेदन कर रहा हूं भक्तों, अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, आपके चरण पड़े, आपके सखाओं के चरण पड़ेंगे तो मेरा घर तीर्थ हो जाएगा, मेरा घर पावन हो जाएगा। क्योंकि आज तक ये कंस के दिए हुए और मेरे घर में सब उसके मंत्री संत्री आते रहे, मेरा घर सुंदर है लेकिन पवित्र नहीं हुआ। प्रभु आपने बिना बुलाए जब वामन बन के बलि के यज्ञ में गए थे, और बलि महाराज ने आपके चरण धोकर पूरे कुल पवित्र कर दिया था, मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे घर आओ और हमारा कुल पवित्र कर दो, हमारे पितरदार को पधारो। कृष्ण ने कहा चाचा ये सब प्रार्थना मत करो, चाचा प्रार्थना करे अच्छा नहीं लगता, आप तो आदेश दे सकते हो, लेकिन एक काम करो, मैं आपको टेंशन देना नहीं चाहता, क्योंकि कंस देख रहा होगा कि मेरा लगे ना जासूस छोड़े होंगे। अगर उसने देख लिया कि ये कृष्ण के चरणों में गिर रहा है, अपने घर ले जाकर भोजभात खिला रहा है,
तो आपकी नौकरी जाएगी, आपकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है, सीबीआई घुस सकती है, आपके यहां भी चेकिंग होगा, इसलिए हमको छोड़ दो और आप खुशी से जाओ और हमको हमारा काम करने दो। कृष्ण ने जब ऐसा कहा, अक्रूर ने कहा कि मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है, अरे कंस की नौकरी जाए तो जाए, कंस मारे तो मारे, और कंस अभी जिएगा कितना हमको पक्का पता है कि कल वो मरेगा, इसलिए अभी हमें कंस का डर है नहीं। आप कुछ बहाना मत बनाओ हमारे घर से। अब अक्रूर जी जिद कर रहे, अक्रूर जी ने कहा कि आप हमारे घर नहीं आओगे तो आपका यहां है कौन, मथुरा और तो कोई आपको जानता नहीं, और देखो चाचा का घर बाप का घर बोला जाता है, चाचा का घर और बाप के घर में दोनों भाई तो अपना ही घर माना जाता है, तो आपके पिता तो जेल में है वसुदेव महाराज, तो अब तो आपका बाप समान तो मैं ही हूं मथुरा में, तो आपको हमारे घर आना चाहिए क्योंकि मैं चाचा लगता हूं, आपका खुद का घर, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, और कुछ है नहीं है, और आपको तो कल उसमें जाना है धनुष यज्ञ में, आज तो पूरा दोपहर के बाद फ्री हो। कृष्ण ने कहा ये चाचा छोड़ नहीं रहा, मधु मंगल सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोले क्या करे पार्टी बताओ, सखा मंडल सब कह रहे मना कर दो नहीं जाना हमको। देखो याद रखना आप लोग, ये सब छोटी छोटी कथा है लेकिन संदेश है, आप कितने ही अच्छे हो कुछ भी हो, भगवान का भक्त मना कर देगा ना, भगवान चाहते हुए भी नहीं आ सकते। मधुमंगल श्याम सुंदर से बोला, श्रीराम बोला कन्हैया मना कर दे हम नहीं जाएंगे, चाचा होगा तेरा, तुम क्या करोगे, बोले हमको सिटी देखना है, अभी कल तो स्कूल चालू हो जाएगा, हमको एक दिन ही मिला है इधर, तो हमको पूरा मथुरा नगर, हम लोग मथुरा में घूमेंगे मौज मस्ती, इनके घर जाके क्या करेंगे यार, मना कर दिया। तब कृष्ण ने कहा चाचा सॉरी, आपकी बहुत इच्छा है ना, तो एक काम करते परसों आते, परसों कल नहीं, कब परसों, क्योंकि कल कृष्ण ने सोचा कि कंस को मारेंगे इसलिए सारा टेंशन झगड़ा खराब, और फिर परसों से मारने के बाद भोजन आपके यहां श्री गणेश होगा, और तब तक आप घर में जाके तैयारी करो। अक्रूर जी को आए नहीं लेकिन विश्वास दिया कि चलो बाद में, तो अक्रूर जी को थोड़ा संतोष हुआ कि आएंगे तो मैं कुछ तैयारी करता हूं। देखो आ जाए ना भगवान, उसके भी उससे भी ज्यादा मजा आने वाले के इंतजार में होता है, आप समझते हो, प्रेमी को मिलने में जो मजा है ना उससे ज्यादा मजा इंतजार में, क्योंकि इंतजार में आने का आशंका है और मिलने में जाने का आशंका है, इसलिए विप्रलंब बड़ा भाव लिखा गया है संयोग से। प्रेमी जब मिलते हैं तो उसमें डर पड़ा रहता है कि अभी चले जाएंगे, और जो नहीं है उसमें डर अंदर से इच्छा कि अभी आने वाले, तो मजा किसमें है, इसलिए मिलन से भी ज्यादा मिलने, इसलिए तो हमारा भक्ति मार्ग इतना सुंदर है कि मंजिल पर जाने से पहले यात्रा में इतना आनंद है। हम लोग वृंदावन कभी कभी जाते हैं गाड़ी में भक्तों के साथ, आप लोग भी गए होंगे, वहां पहुंचने में जितना नहीं मजा उतना तो गाड़ी में मजा होता है, थेपला बिस्किट जो भी खोलना है बिगली बिगली निकालो सब, कितना मूड रहता है, वहां जाने पर सो जाते हैं, आश्रम से बाहर नहीं निकलते, और एकदम यात्रा में इतना मूड होता है, वहां पहुंचने में भी उतना, तो भक्ति में इतना मजा है कि शायद भगवान में धाम जाके में उतना नहीं होगा, इतना अभी से मजा है, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग सब करो, वैकुंठ का मजा रास्ते में ही मिल गया है, वहां जाने पर तो सब बोनस मिलने वाला है, मूल माल तो यही मिल गया, ये हमारा भक्ति मार्ग। कभी कभी ऐसा होता है कि मंजिल में ही जो मजा है जो लक्ष्य में नहीं, क्या कह रहे, तो सखाओं ने मना कर दिया, तो अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी को मजा आ गया, लेकिन एक सिद्धांत ये, सब सखा नहीं गए तो कृष्ण भी नहीं गए, इसका मतलब यह हुआ कि जब भगवान के भक्त आते हैं तभी पीछे पीछे भगवान आते, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, और संत मिलते तब भगवंत मिलते। हमारे जीवन में पापों का अंत तभी होता है जब संत आता है, और संत फिर भक्ति का वसंत लाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अक्रूर जी ने कहा ठीक है कन्हैया, लेकिन परसों पक्का, हाँ चाचा हरे कृष्णा। अक्रूर जी ढीले ढीले गए घर पे, कंस को मिलने में गए, कंस को, कंस की गाड़ी गैरेज में छोड़ दिया, रथ ड्राइवर को बोला ले जाओ और बोल देना कि आ गए हैं दोनों, और कंस ने तो ऐसे भी जासूस छोड़े थे कैमरा मथुरा में पता ही था, और अक्रूर जी चले गए घर, मैसेज देने भी नहीं गए आए कि नहीं।
और नंद बाबा ने कहा कि भैया हम तो यहीं आराम करेंगे पेड़ के नीचे। बोले करो बाबा। बूढ़े बूढ़े गोप वहां रेस्ट किए और सखा मंडल ने सोचा चलो मथुरा की बाजार में घूमते हैं दोनों भाई। अब जैसे ही कृष्ण बलराम और सारे सखा उस मथुरा महानगर मथुरा भी देखो, मथुरा का वर्णन भागवत जी में है, उसकी क्या महिमा है। सात जो पूरी है उसमें मथुरा भी मोक्षदायिनी पूरी है। और बड़े बड़े सोने के कपाट, मतलब जो दरवाजा होते ना गोल्ड के थे, और उसके ऊपर सुवर्ण कलश और उसमें सब हीरे जड़े थे। और मथुरा की मार्केट में देखा तो एक से एक बड़े बड़े पेटू पंडा पान खा रहा है, कोई सोने की दुकान लगाया, कोई कपड़े की। मधु मंगल सब देख रहे कि भाई शहर वाले तो बड़ा जलसा पार्टी करते, हम लोग वहां मर रहे हैं। चकाचौंध करने वाले पान की बड़ी बड़ी दुकान है, क्या क्या मथुरा का इतना वर्णन है सुंदर। अगर एक बार कोई सुनेगा ना तो इच्छा करेगा एक बार वहां राउंड लगाना चाहिए। और उधर मथुरा में पूरा हल्ला हो गया कि वो जो गोकुल के है ना दो भाई कृष्ण बलराम, वो मथुरा आए हैं। तो सारे लोग बाजार में कृष्ण बलराम का दर्शन करने, लेकिन सुखदेव जी की नजर उस परीक्षित की सभा में सबको साइड करते हुए उस मथुरा की स्त्रियों के ऊपर जा रही है कि हे राजा परीक्षित सुनो, मथुरा में कृष्ण और बलराम जब जैसे ही नगर में निकले ना रोड पर हाईवे में, तो मथुरा की सारी नागरिया सारी स्त्रियां अपना काम धाम छोड़ के कृष्ण बलराम को देखने के लिए भागी। हमारे गुरु महाराज सुनाते कि कम से कम कृष्ण को देखने के लिए ना भागे, लेकिन कृष्ण को देखने के लिए जो भागे उसकी कथा सुनने के लिए तो भागे। जो कृष्ण की कथा सुनेगा आज वो कल कृष्ण को देखेगा, पक्का है। सुनना परीक्षित ने सुना तो भगवत धाम जाके भगवान को देखा, सीधा हिसाब है क्योंकि अमृत है तब कथा। सुनना ही देखना है, जो आज सुनेगा वो कल निश्चित भगवान की लीला में जाएगा। गोपियों ने आज तक बहुत सुना था कि इसने गोवर्धन धारण किया, ये रास खेलता है, ये सुंदर बंसी बजाता है, इसकी मीठी बोली है, कमल जैसी आंखें, सुना था। और आज पता चला कि अपने गांव में आया। एक वर्णन तो ऐसा है कि एक गोपी एक मथुरा की स्त्री के तो फेरे लग रहे थे। फेरे मतलब वो दूल्हा आया हुआ था और वो गौर पंडित होता है ना, बोले तो दोनों वर कन्या खड़े हो जाओ, तो दोनों खड़े हो गए। बोले एक दूसरे का वो कपड़ा बांधते ना, क्या कहते आप लोग, जो चक्कर होता है ना पूरा जीवन पर, बंधे रहो फटते रहो मरते रहो घूमते रहो, तो वो वाला बांधा और बोला फेरे लगाओ। और जैसे फेरा चालू हुआ किसने कहा सुनो कृष्ण बलराम आए, वो ये फेरा छोड़ के वो भागी देखने के लिए, जब असली दूल्हा आया तो इसको कौन पकड़े। तो सनातन गोस्वामी लिखते कि कुछ स्त्रियों के मन, क्योंकि शादी का सीजन होगा पता नहीं, तो अपने पति को और फेरे को छोड़ के भागी कुछ सखिया, और कुछ भोजन बना रही थी। जैसे वहां पर गोकुल में वृंदावन में शरद पूर्णिमा में रास हुआ बंसी बजी और गोपियां जैसे सब कुछ काम छोड़ के भागी, ऐसे ही मथुरा में कृष्ण बलराम आए हैं ऐसा मैसेज मिला। सारी गोपियां मतलब सारी मथुरा की नागरिया जो बरसों से इंतजार था देखने का कन्हैया को, और आज वो सौभाग्य मिल गया, तो सब काम धाम छोड़ के। और इस बात को जब हम आपको सुना रहे हैं ना, तो हमको एक बात याद आती है कि इसी तरह राम और लखन जब मिथिला में घूम रहे थे तो वहां पर भी गोस्वामी ने यही वर्णन लिखा है। इसी तरह हम याद कर सकते गौर और निताय जब नदिया में संकीर्तन लेकर घूमते थे तो नदिया की प्रजा का प्राण जीवन धन गौरांग और नित्यानंद अपने संकीर्तन आंदोलन के साथ, वही है कृष्ण बलराम, वही है राम लखन, वही है गौर निताय। एक बंगाल को पावन कर रहे, एक बिहार को, या क्या कहें नेपाल, जो भी आज नेपाल तो बन गया, और एक यूपी यहाँ पर। भगवान ये भारत की भूमि का है और भारत में रहने वाले पशु पक्षी मनुष्य का सौभाग्य है जिनको भगवान का नित्य सानिध्य मिल रहा है, ये किसी और भूमि को प्राप्त नहीं है। इसलिए वेदों में भी वैकुंठ में की क्या कहे, स्वर्ग में भी भारत की भूमि की बड़ी महिमा लिखी गई। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होता है, देवता तो प्रार्थना करते हैं इस भूमि में जन्म लेने की। और सुखदेव जी सुना रहे कि कृष्ण बलराम जब घूम रहे थे तो मनांसी तासाम अरविंद लोचन, उस कमल नयन कृष्ण को देखकर
गोपिया, ये जो सारी मथुरा की नागरिया है, वो चित्रवत जहां थी वहां कुछ खड़ी रह गई, उसका मन मानो माधव ने छीन लिया। छीन ले सबके हंसके ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। किसी को भी देख ले उसका दिल छीन लेता है। कृष्ण का ये कमाल है, उनकी लीला का, उनकी माधुरी का, सौंदर्य का, जो भी उसको देखती थी चित्रवत खड़ी रह जाती, कुछ नहीं। और कृष्ण बलराम चले जाते थे, वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। क्यों? क्योंकि शरीर वहां रहा, मन तो कृष्ण ले गए। क्योंकि चित्त चोर है, देख के सुना के मुस्कुरा के चित्त चुरा लेते। तो यहां पर सुखदेव जी ने सुनाया कि मनांसितासाम अरविंद लोचना प्रगल्भ लीला हसितावलोकने। भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते देखते देखते उस मथुरा की स्त्रियों का दिल चित्त मन चुरा लिया। तो हमारे गुरु महाराज सुनाते हैं कि भगवान ने मन क्यों चुरा लिया, कृष्ण ने इन सखियों का मन क्यों चुरा लिया, देख के हंस के चुरा लिया। खतरनाक चोर है, मुस्कुरा के माल लूट ले, बताओ। कोई बंदूक दुखा के लूट ले तो अलग बात है, तो मुस्कुरा के लूट लेता है। और अंदर की चीज जो बाहर, मन किसी को दिखता है क्या? मन के एक्सरे होते हैं चित्त के, लेकिन जो दिखता नहीं वो चुरा लिया। इस चोर की बात तो साइड में छोड़ो, लेकिन गोपियों का, इस सखियों का मन क्यों चुराया? तो भगवान ने सोचा कि ये सब मुझे देख रही है और मेरी एक कमी है। भगवान कह रहे हैं मेरा एक नेचर है, स्वभाव, कि जो मुझे देखता है वो मुझे मिलना चाहता है। देखने से बात अटकती नहीं है। एक बार जो भी माधव को देख लिया वो उसे मिलना चाहेगा, सीधा है। तो इसने मुझे सुन तो लिया था पहले कि गोकुल में ब्रज में रास खेलता है, सुन लिया। आज हमको देख लिया, तो अब रात में या कल हमसे मिलने का मन इसका पक्का है। इसलिए आपको भी कृष्ण से मिलना ना होना तो इसको देखना सुनना बंद करो। अगर इनको सुना, अगर इनका श्रृंगार दर्शन किया तो आपको रहेगा नहीं मन, मिलने का मन होगा होगा होगा, क्योंकि है ही ऐसा हमारा कृष्ण। तो भगवान ने सोचा कि इसके मन में इच्छा होगा मुझे मिलने का, और मैंने गोपियों से रास किया था ये भी सुनिए, तो हमसे भी रास करने का इसका इच्छा होगा। और ये इच्छा सब कहां होता है? आंख में कि कान में, हाथ में? कहां होता है इच्छा? कहां होता है? मन में। ये संकल्प विकल्प मन में होता है। तो भगवान ने सोचा कि हमको इतना प्रेम से देख रही है, देख मत पगली प्रेम हो जाएगा, ऐसे ट्रक के पीछे लिखा होता है। अभी परसों ही मैं गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा था, देख मत पगली प्रेम हो जाएगा। तो बोला क्या लिखते, भारत के ट्रक में भी बड़ा बड़ा संदेश रहता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि हमको देख रही है तो प्रेम तो होगा, प्रेम होगा तो मिलने का इच्छा होगा, रास करने का इच्छा होगा। और मैं अभी इनका इच्छा पूरा यहां, क्योंकि ये गोकुल नहीं है, ये वृंदावन नहीं है, ये तो मथुरा नगर है, शहर है, अनजाना शहर है। हम यहां मेहमान है, फिर मालिक बनेंगे, लेकिन अभी तो मेहमान है मथुरा के। तो भगवान ने सोचा इनका मन ही चुरा लो, ताकि मन हमारे पास रहे तो ये अपने से कुछ इच्छा, अगर इसने इच्छा कर दी हमारे साथ रास की या मिलने की, तो मैं पूरा तो मथुरा इसलिए कर नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनको कष्ट न हो, कोई इच्छा ही न हो, इच्छा होती है मन में, पूरी न हो तो कष्ट होता है मन में। भगवान ने सोचा मन ही ले लेते इसका, ताकि ये फ्री हो जाए। अब देखो कितने सुंदर बात बताई गई है। और इसी पर हमारे एक आचार्य लिखते हैं, गोकुल में उल्टा था, गोपिया कन्हैया का मन चुरा लेती, यहां पर सबका मन जो चुराता है ना, लेकिन गोकुल की गोपियों ने इसका मन भी चुरा। इसलिए मन का बड़ा चक्कर है। हमारे एक भक्त तो गीता का प्रवचन सुनाते हुए कहते थे, प्रभु जी ये कृष्ण के पास सब कुछ है। मैंने कहा सब कुछ है? कोटि ब्रह्मांड अधिपति, बोले कोटि ब्रह्मांड अधिपति। लक्ष्मी के नाथ, बोले लक्ष्मी के नाथ। तो सब कुछ इनकी मालिकी का, सब कुछ इनकी मालिकी का। तो भैया ये भीख क्यों मांगता है? हमने कहा कौन सी भीख? बोले जब तक गीता में कहता है मन दे दो, मन दे दो, मन, मतलब इनके पास सब कुछ है, एक ही वस्तु की कमी है, क्या है? मन की। जिसके पास सब कुछ हो, जो नहीं हो वही मांगता है ना। आपको 32 भैंस का भोजन दे दिया जाए, सब मिलने के बाद आप क्या देखोगे? पापड़ नहीं है,
जो नहीं है वही बोलो, चटनी नहीं है, जो है उसका तो छोड़ दे, जो नहीं है उसी पर नहीं। तो भगवान के पास सब कुछ है, लगता है कि इनके पास अपना मन नहीं है, इसलिए गीता में क्या मांग रहा है, मन मांग रहा है, मन मना भव, कितने श्लोकों में मन मांगा है इसने। तो प्रश्न है विद्वानों का कि इनका मन है कहां, तब इसका उत्तर मिला, इसका मन तो गोपियों के पास है, और इसलिए खाली मन का आदमी सबसे क्या कहता है भैया। अब देखो ये अलग तरीके से सुनने के, मैं विनोद की कथा हो रही है, आप तत्व की बात है, लेकिन ये बड़ा सुंदर भगवान का महिमा है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक स्मरण आ रहा है, टाइम भी हो रहा है, और आप लोग बहुत सुंदर जिसके इंतजार में आए हो वो भी हो रहा है प्रसाद का व्यवस्था। तो सब कुछ हो रहा है, और अभी तो मेरी मशीन अभी तो गर्म हुई है, अभी तो हमारा देसी टेम्पो है, गर्म होते होते एक घंटा होता है, तब तो समय हो गया कथा खत्म होने का। अभी तो मथुरा में हमने कृष्ण को घुमाया नहीं, अभी तो केवल मथुरा में खड़ा किया है दोनों भाई को, और घूमना चालू किया तब तक तो इनको देखने सखी आ गई है, और स्त्रिया है, देखो सखिया है, ये देख चुप नहीं रही, चुप नहीं रही, बोलेगी कल, हमारी माताओं का एक सुंदर स्वभाव है कि वो चुप नहीं रही, उनको बातें करना चाहिए, तो सखिया बातें करेगी क्या क्या ये दोनों भाई करते हैं। तो अभी उनकी बातें तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन बातों में से बात, जैसे कहते हैं कि कमल के पात पात में पात, ऐसे कवियों की बात बात में बात होती है, उसका कोई कमल गुलाब होता है ना, खोलते जाओ उसके अंदर पंखड़िया पंखड़े, ऐसे ही बात के अंदर बातें होती, यही तो रस है, यही तो जीवन है, एक डेढ़ घंटा कहाँ निकल जाए पता ही न चले। और मन कृष्णमय, हमको भी देखो कितना फ्री में आपको पहले घूम में ले गया द्वार उधर गंगा तट पे, अभी फ्री में मथुरा में घूम रहे हो तुम लोग मन से भगवान के सखाओ के साथ। ये शरीर का है भले यहां, लेकिन होता है ना भूल जाते कहां गए, यही भगवान की लीला का आनंद। तो एक भक्त बड़ा सुंदर भगवान से कहता है, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए कृष्ण बलराम से, कि गृहिणी तव पद्मा रत्नाकरम तव गृह गृहिणी च पद्मा किं पुरुषोत्तम देयमस्ति। हे नाथ, समुद्र आपका घर है, भगवान विष्णु समुद्र में सोते हैं, रत्नाकर सारे रत्न उसी में, और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री सिंधुजा उसकी घरवाली है, तो समुद्र आपका ससुराल है, मतलब मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये इनको लागू होता है। दूसरा, लक्ष्मी जी आपकी घरवाली, तो अभी हम आपको क्या दे, हे पुरुषोत्तम, जब समुद्र सारे रत्नों की खान आपका गृह है, और लक्ष्मी जो सारे धन की अधिष्ठात्री आपकी घरवाली है, तो हम आपको क्या दे, किम देयमस्ति पुरुषोत्तमस्य। लेकिन हाँ, एक बात याद आई, आपके पास एक वस्तु नहीं है, आपके पास आपका मन नहीं है। भगवान कह, कैसे बोल सकते हो हमारे पास हमारा मन है, बोले नहीं, अगर आपके पास आपका मन होता तो आप भीख नहीं मांगते, मन मांगो, मन दो, और सबका चुराते भी क्या हो, मन। ये वस्त्र चुराना, माखन चुराना, ये भी बाह्य बात है, अंदर से तो मन ही चुरा, इनके बहाने चुराना तो मन ही होता है तुम्हारा, माखन तो तुम्हारे घर में कमी नहीं, ना वस्त्रों की कमी, मन के बहाने चुराते तुम, वस्तु के बहाने चुराते मन हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु हमको समझ में आ गया, आपको ना धन की कमी है, ना पैसे की, ना प्रेस्टीज, कुछ भी, लेकिन आपके पास आपका मन नहीं है, और आपका मन कहाँ है हमको पता है, आभीर वाम नयना, ये ब्रज की जो गोपिया है ना, उसने आपका मन चुरा लिया, और इसलिए हे नाथ, हम आपको हम हमारा मन अर्पण कर देते हैं, कि हमारा मन ले जाओ, ताकि आपका काम बन जाए, आपके पास मन नहीं, गोपिया ले गई, तो आप अब हमारा मन ले लो, ताकि हम फ्री हो जाए और आपका काम हो जाए, दोनों का काम हो जाए। देखो भक्तों का भाव बड़ा सुंदर है, और इसी बात को जगन्नाथ अष्टकम में पहली श्लोक में लिखा गया, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बड़ा सुंदर भाव है, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप। हे कृष्ण आभीरी नारी ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज गोकुल की गोपियों ने अपने खिले हुए कमल जैसे मुख से आपका चित भी चुरा लिया। जयदेव जी ने ये बात शुरुआत में ही लिख दी है गीत गोविंद के मंगलाचरण में, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री कमला कुत जो हमारा भजन है उसमें जयदेव जी ने लिखा है, अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। मतलब भगवान गिरिराज धारण किए हुए थे तब भी उसका चित्त राधा आदि गोपियों को ढूंढ गया। तो इस तरह गोकुल की भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना यही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। नटराज मूर्ति धारण करके रुद्र रूप में पूरे विश्व ब्रह्मांड का प्रलय करने वाले महादेव भी इसी भगवान माधव की लीलाओं में मस्त रहे। विरक्त चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन सुखदेव भी इसी भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में मस्त रहते। प्रभुपाद जी की परम कृपा है कि हम जैसे बद्ध जीवों को भी ये देवताओं को दुर्लभ ऐसा श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला प्रेम ग्रंथ हमें प्रदान किया, जिसका श्रवण कीर्तन करके हम भी कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करके नाचते गाते खेलते कूदते भगवत धाम की यात्रा कर सकते। बस चॉइस हमारी करनी है। महाप्रभु ने कहा असत संग त्यागो। ये मनुष्य जीवन का कीमती समय सार्थक करना हो और परम सिद्धि लाभ करना हो तो हमें कृष्ण के प्रेमी भक्तों के संग में रहना, अपने आप न चाहते हुए भी भजन होगा। अगर भक्तों का संग छोड़ा कितने ही पंडित बुद्धिमाना भले ही हो लेकिन माया आपसे बड़ी बलवान है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर रोते रोते कहते तांदेर चरण से ही भक्त सोने वाला, जिसके सानिध्य में जाते ही हमें परम धन संपत्ति भगवत स्मरण की प्राप्ति होती है। आप यहां एक घंटे से बैठे हो, क्या हो रहा है? कृष्ण का स्मरण हो रहा है, भागवत के श्लोकों का स्मरण हो रहा है, भगवान का संदेश गीता का श्लोक सुनाया जाएगा। ये भगवत स्मरण ही तो हमारी संपत्ति है, सारे विधि निषेध इसी के लिए तो है। इसलिए भक्तों आज से ये श्री गणेश हरे कृष्ण उत्सव आप वर्षों से कर रहे हो और इस तरह हमारे जीवन को प्रेम भक्ति रस आनंद से भर रहे हो और ऐसा अवसर इस्कॉन खारगर भक्तों की ओर से हो रहा है, हम इन सबका धन्यवाद देते हुए भगवान के चरणों में भक्ति वर्धन हेतु एकमात्र प्रयोजन करते रखते जीवन हृदय में रखते हुए भागवत के श्लोकों का चिंतन मनन स्मरण करते हुए कृष्ण स्मरण करते रहे जो जीवन की परम चरम उपाधि है। इससे बढ़कर कुछ करना नहीं। और भगवान ने कहा यम यम बापी स्मरण भाव, स्मरण करते करते कहीं भी होंगे तो वहां ही पहुंचेंगे, उनका काम है। हम अपना काम करें, भगवान का काम भगवान करेंगे। उसने गीता में बोला है 12:7 भवामी माम चिराग पार्थ मृत्यु संसार सागर, मैं आऊंगा तुमको भव सागर से लेने के लिए, मेरा काम मैं करूंगा, तेरा काम है मेरा चिंतन वो तू कर, हम हमारा काम करें, राधा रानी अपना काम करेगी। तो भक्तों कृष्ण बलराम घूम रहे, सारी ब्रज की वनिताएं जो बोली थी कि सखी मथुरा की नारियों का सौभाग्य उदय होगा, वहां पूनम का चांद अब रोज क्योंकि कृष्ण का मुख देखेगी और हमारी अभागन हम लोग की अमावस्या चालू हो रही, कल से इस परम पुरुष का मुख नहीं देखेगी। सुखदेव जी सुना रहे कि जो ब्रज की गोपियां बोली वो सार्थक सत्य हुआ, देखो मथुरा की नारियों का सौभाग्य जग गया कि कमल नयन कृष्ण के मुख मंडल को देखते हुए अपने जीवन का लाभ ले रही है और कृष्ण के विषय में बातें करते हुए
कृष्ण के ऊपर सुंदर पुष्पों की वर्षा करेगी, स्वागत करेगी। और भगवान कृष्ण भी तो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, कोई रामचंद्र नहीं है कि मर्यादा में किसी को देखे ही नहीं। राम जी तो चल रहे थे मिथिला में सीधे सीधे, किसी को देखे न दाए न बाए, ये तो किसी को छोड़े दिए नहीं। इनके नयन तो तीर्थ है भाई, वो ठाकुर तो सीधी गली में चलते थे। इतनी नारियां मत मिथिला की, जनकपुर की, कृष्ण राम लखन बन के जब मथुरा घूम रहे थे मिथिला में, धनुष यज्ञ में गए तब सब उनको देख रहे, लेकिन राम जी किसी को नहीं देख रहे। लेकिन यही कभी राम बन के, लेकिन अभी तो मूल है संभवामी श्याम बन के आए, रामादि मूर्ति से हो गया सब मर्यादा। अभी कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो है, इसलिए यहां तो सबका प्रेम का अनुमोदन होगा। दाऊ दादा बाजू में खड़े हैं, फिर भी एक नारी से चंदन भी मांगेंगे, उनको भी छुएंगे, सब होगा, सुंदर बना देंगे। तो सब लीलाएं बड़ी सुंदर है, और जैसा सामने मिलेगा कल धोबी तो उसका भी गला काटेंगे। ये कोई राम जी नहीं है कि धोबी की बात सुन के पत्नी को छोड़ा है, ये तो धोबी का ही राम नाम सत्य कर देंगे, वो रामा अवतार वाला गुस्सा अभी निकालेंगे। वो रहता ना मन में रहता है ना, बोले तुम मेरे को प्रसाद नहीं देता अगले साल, याद रहता है भक्तों को। तो ऐसे ही भगवान भी, वो धोबी बेचारा कुछ बोला नहीं, गर्दन नीचे। हमारे भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो धोबी कपड़ा दिया, थोड़ी सी बात हो गई गला ही काट दिया। तो हमारे साधु संत उत्तर देते कि वो रामा अवतार वाला खुन्नस था, वो पूरा का गुस्सा था, बोले अभी बिला नहीं सामने उड़ाया। तो बहुत बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं है जिसमें भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य, साथ साथ में भक्तों के प्रति भक्तवत्सलता सब दिखाते हैं। जिसको सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, कर्म बंधन नष्ट होता है, और भगवत प्रेम सुख आनंद प्राप्त होता है। तो धन्यवाद, आप लोग इतना धैर्य से बैठे और भगवत कथा श्री गणेश हुई। तो सखिया सब पुष्प बरसा रही है, अपना मन बरसा रही है, हम सब भी हमारे मन तन धन भगवान को समर्पित करते हुए आज की कथा के शब्दों को मैं यही विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए कृष्ण बलराम की जय।